आज का हमारा क्लास स्टार्ट होगा, थर्ड क्लास हमारी है इसके ऊपर में। अभी दो क्लासेस हमने इसके पहले किया था, आपको याद होगा। पिछली क्लास में थोड़ा सा जो पढ़ा था उसका मैं बता दूं रिवीजन, क्या हमने किया था आपको याद है ना। हमने शुरू किया फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पिछले दो क्लास में कोई भी बड़ी बड़ी बातें हमने डिस्कस नहीं की थी। हमने जो डिस्कशन किया था उसके अंदर में एक हमारा निकल गया था जी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने आपको बताया था कि जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, जब पार्टनर्स बीच में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, तो उस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने आपको प्रॉपर तरीके से बताया था कि जो भी खर्चे बिजनेस के हैं वो सभी जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जिनका नाम दिया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपका। और जो भी खर्चे आपका पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे कैपिटल पे इंटरेस्ट हो जाए, चाहे पार्टनर्स को उनके सर्विसेज के बदले में जो भी कुछ दिया जाता है, वो जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपको याद होगा एक पॉइंट आया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो हमने कहा था कि ये भी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा बच्चे। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपका है, क्योंकि ये आपका एक लायबिलिटी है जिस पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। और हमने बहुत सारी बातें पिछली क्लास में की थी। आज ना हम थोड़ा सा और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास दो टॉपिक है मेनली करना आपका। एक तो पिछली क्लास तक आप याद कीजिए, हमने देखा था कि प्रॉफिट हमारे पास खूब सारे थे, हमने पार्टनरशिप डीट के मुताबिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था हमने वो भी स्टडी किया था जी आपका। अरे हाँ, मुझे याद आया, हमने एक पढ़ा था आपका इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारे पास क्या क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके थे, आपको याद है जरा मुझे बताएंगे आप? हाँ जी सर, एक था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% आपका होगा, ठीक बोला ना मैंने? नहीं सर, नहीं गलत बोला आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं था, नो सैलरी नो कमीशन, नो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन था, वो भी जरा बताओ कितना परसेंट आपका जी? सर 6% पर एनम। और उसके बाद जितनी प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को हमने क्या किया था, इक्वली डिवाइड किया था। इतनी सारी हमने बातें की थी, हमने कई सारे क्वेश्चन भी देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है ना बच्चे, लिखेंगे आप हेडिंग, आपका हेडिंग लिखेंगे आपका टॉपिक जो आपका है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब होता है, या ऐसे कह दो व्हेन एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर वो प्रॉफिट आपका जो अभी अवेलेबल प्रॉफिट है, यानी कि जितना प्रॉफिट आपने कमाया है, अगर उससे मान लो कि आपका ज्यादा हो जाए तो फिर क्या काम करेंगे? सर समझ में नहीं आया, आओ मैं एक एग्जाम्पल सबको समझाता हूँ। सॉरी, लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल आपका, एग्जाम्पल नंबर वन आज के क्लास का आपका एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे। मान लो कहता है जी यहाँ पे आपका ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन दोनों का जो कैपिटल है वो कहता है कि इनका कैपिटल आपका 4 लाख रुपए का अमाउंट है, 4 लाख का अमाउंट जी आपका, और इनका कैपिटल कहता है कि 2 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है, 2 लाख रुपए का अमाउंट। ए का कैपिटल कहता है कि 4 लाख का अमाउंट है, बी का कैपिटल कहता है कि 2 लाख का अमाउंट आपका है। फिर कहता है यहाँ पे इनका एग्रीमेंट है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा एट द रेट ऑफ आपका 10% पर एनम आपका। आप मुझे बताओ कि अगर इंटरेस्ट हमें 10% पर एनम देना है, तो मुझे बताओ ये 10% ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, कि दोनों को मिलेगा? सर दोनों का कैपिटल है ना बच्चे, दोनों को मिलेगा, ठीक है। फिर कहता है कि बैलेंस प्रॉफिट जो आपका होगा, जो प्रॉफिट बचेगा, वो कहता है कि टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कहता है कि इक्वली का मतलब क्या हो गया बच्चे, 1:1 के रेशियो में आपका, कहता है कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द ईयर वो कितना कमाएगा? जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बताओ 4 लाख रुपए का 10% कितना होता है? सर 40,000, ठीक है। 2 लाख का 10% कितना होता है? सर 20,000 रुपये। तो जरा बताओ इन पे दोनों मिलाकर इंटरेस्ट कितना बन गया? तो सर 40,000 प्लस 20,000 60,000 रुपये का इंटरेस्ट बन गया, 60,000, ठीक बोला ना? हाँ जी सर। तो देखो पिछली क्लास तक में क्या हुआ था कि जो हमारा प्रॉफिट था वो 60,000 या उससे ज्यादा था बच्चे, जितना इंटरेस्ट हमें देना उससे ज्यादा था। आज मैं क्या कर रहा हूं,
आपको बता रहा हूं कि प्रॉफिट जो है 60,000 से कम, यानी कि मान लो प्रॉफिट जो आपने कमाया है वो सिर्फ 50,000 का अमाउंट कमाया आपने, 50,000 रुपए का। अगर प्रॉफिट आपने 50,000 का कमाया तो फिर हम काम क्या करेंगे आपका, है ना, 50,000। ध्यान देना प्रॉफिट कितना कमाया जी, 50,000 रुपए। या एक काम करते हैं, हम दो केस बना लेते हैं। एक करते हैं यहां पे हम केस नंबर वन, पहला केस। इस केस में प्रॉफिट अमाउंट थोड़ा ज्यादा कर लेता हूं, मान लो अमाउंट आपका यहां पे 70,000 हो गया। और एक केस और रेडी करता हूं आपके लिए जी, केस नंबर टू, जहां कहता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ये मान लो कहता है आपका, अभी हमने कितना लिखा था सर, 50,000, 50,000 रुपए। चलो दोनों ही केस में देखते हैं कि कहता है कि प्रिपेयर आपको बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको मेरे साथ लिखना बच्चे, मेरे साथ लिखना, इस क्वेश्चन की कॉपी करें आप, कॉपी कीजिए। पार्टनर्स का नाम ए बी है, कैपिटल कहता है कि 4 लाख 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि 10% पर एनम आपको देना है, और बैलेंस प्रॉफिट को इनके बीच में इक्वली डिवाइड करना है। केस वन में कहता है कि नेट प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया वो 70,000 है, और केस टू में कहता है कि प्रॉफिट जो आपने कमाया 50,000 है। बोलता कि बताओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाओगे, ठीक है ना। मैं शुरू करता हूँ। एक तो पहले आइए जरा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम आपका केस नंबर वन का, केस वन आपका। केस वन में क्या बता रहा जी, कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपने जो कमाया है वो कितना बता रहा है यहाँ पे, 70,000 रुपए का अमाउंट। ये काम तो हमने पिछली क्लास में किया था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, बनाए मेरे साथ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जल्दी से शुरू करेंगे। एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा पिछली क्लास का, फिर आज क्लास को हम आगे बढ़ा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हमें समझते हुए सारे काम करना है, समझते हुए, हमें कुछ भी रटना नहीं है बच्चे। तो चला बताओ ना, इस केस में आपका यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, यानी कि जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो कितना निकल के आ रहा है सर, 70,000। लिखे यहाँ पे 70,000 रुपये का अमाउंट आपका है, 70,000 का, ठीक है ना। अब देखो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था 10% के हिसाब से, तो आपने यहाँ बोला टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने यहाँ बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि 10% के हिसाब से आपको क्या देना है जी, एक तो एज कैपिटल के ऊपर देना आपने, एज कैपिटल अकाउंट, और एक आपका बी के कैपिटल पर देना है, जो भी इंटरेस्ट होगा उनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब देखो ना, 4 लाख रुपए का 10% कितना होता है जरा बताओगे सर, हाँ जी 40,000, ये लिखा हमने 40,000 का अमाउंट। और जरा बताओ 2 लाख का 10% कितना होता है जी, तो सर ये 20,000 का अमाउंट आपका होता है, 20,000 का अमाउंट। तो 40 + 20 कितना हो गया, 60,000। सर क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हमने पिछले क्लास में किया था, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ बच्चे, आपने ये पढ़ा हुआ है। मैं तो केस टू को आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए केस वन मुझे कराना पड़ रहा है, और कोई रीजन नहीं है। तो ठीक है, आपका ये हो गया 60,000। इसके बाद आप बोलेंगे कि अब जो बैलेंस प्रॉफिट बच गया, बैलेंस आपका प्रॉफिट जो बच गया, आप बोलेंगे ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर किया जाएगा किसको जी, एक तो आपका एज कैपिटल अकाउंट में, और एक आपका बीज कैपिटल अकाउंट में, ए और बी के अकाउंट में आपने ट्रांसफर करना है। जरा मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट कितना बच गया, तो सर 70,000 में 60 गया, तो कितना बच गया यहाँ पे जी आपका, 10,000 का अमाउंट आपका, 10,000, ठीक है। आप मुझे बताओ इस 10,000 को ए और बी में डिवाइड करना है, रेशियो क्या बता रहा है आपको, इक्वली कह रहा बच्चे, इक्वली। तो कितना कितना आएगा सर, इनका आ गया 5,000 रुपये का अमाउंट, और इनका आ गया 5,000 रुपये का अमाउंट आपका, 10,000 का डिविजन हो गया, काम खत्म, खत्म हो गया काम बचे। हमने क्या किया कि यहाँ पे प्रॉफिट का डिवीजन कर दिया। क्या मैंने कुछ नई बात सिखाई आपको, नहीं सर, ये तो पिछली क्लास में हमने किया था, ये तो हम जानते हैं। टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो ना बच्चे, ना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, मुझे आपको केस टू में और केस वन में फर्क समझाना है। आज हमारा मोटिव है केस टू को समझना, ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, मानता हूँ, चलो कोई बात नहीं। आई जरा अब मैं आपको केस टू कराता हूँ, केस टू यहाँ करता हूँ मैं आपके लिए जी, केस नंबर टू। केस नंबर टू जब कहता है कि नेट प्रॉफिट जो आपने कमाया है, नेट प्रॉफिट जरा देखो इस पर कितना बता रहा जी, 50,000, 50,000 रुपये का अमाउंट आपका, 50,000 का अमाउंट आपने कमाया है जी। तो आप जरा मैं आपके लिए बनाऊँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका, एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने ये आपके सामने रेडी किया जी, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप एक काम करना, यहाँ पे आप जरा आ जाइए मेरे साथ और आप इसको रेडी कीजिए। जरा बताओ इस क्वेश्चन में आपने जो नेट प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया सर, ये प्रॉफिट कहता है कि 50,000 का अमाउंट है, लिखो आप यहाँ पे 50,000 रुपये का अमाउंट।
आपने यहाँ पे क्या किया जी, 50,000 का प्रॉफिट हमने कमाया है। अब हमें क्या करना जी, ये 50,000 का जो प्रॉफिट कमाया है, ये प्रॉफिट हमें क्या करना, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है, पार्टनर्स के बीच में आपका। अब देखो मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी समझना, मेरी मजबूरी। आप जरा यहाँ देखो कि हमें एज इंटरेस्ट इनको जो पैसा पे करना, वो कितना पे करना, 60,000। एग्रीमेंट तो सेम है ना बच्चे, तो प्रॉफिट जो हमें इंटरेस्ट जो पे करना 60,000 रुपये पे करना है, लेकिन प्रॉफिट ही आपका उतना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट 50,000 रुपये का अमाउंट है। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि 60,000 का इंटरेस्ट पे करना था, प्रॉफिट आपका 70,000 रुपये का अमाउंट था, 70,000। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना है 60 है, लेकिन प्रॉफिट कितना है, 50,000। सर अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, तो सुनना हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है बच्चे। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आप इंटरेस्ट का अमाउंट देकर, अगर मैं इंटरेस्ट यहाँ पे 60,000 का पेमेंट कर दूँ, आप लिखना नहीं, लिखना नहीं, मेरी बात सुनना, अगर मान लो इंटरेस्ट मैं 60 पे कर दूँ, तो जरा बताओ कि फर्म जो है क्या वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं हो गया। आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया था जी, और इंटरेस्ट के रूप में आपको 60,000 का अमाउंट देना है, आप जरा बताओ कि क्या इससे अमाउंट ये ज्यादा नहीं हो गया। सर ये ज्यादा हो गया। तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया बच्चे कि किसी भी इंटरेस्ट के चलते, इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, इससे फर्म का प्रॉफिट कभी निगेटिव नहीं आ सकता, निगेटिव अलाउड नहीं है बच्चे। तो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि मैं फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा बच्चे, ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करूंगा। सर फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। एक बार चेक करो जरा वर्किंग नोट्स में, वर्किंग नोट्स में, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना था उनका रेशियो क्या निकल के आया। सर इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, यहाँ पे ए का और बी का अगर देखा जाए तो ए का हो गया 40,000 का अमाउंट और बी का हो गया आपका 20,000 का अमाउंट। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया जी कितना, 40,000, 20,000 आपका। पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि अगर ये दोनों अमाउंट मिलाकर, यानी कि जो अमाउंट बन गया 60,000, अगर ये अमाउंट आपके प्रॉफिट से कम होता है तो 60,000 का इंटरेस्ट आप नहीं दे सकते। सर फिर मैं क्या करूँगा, एक्ट कहता है, कानून कहता है कि देखो जी उस केस में आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देना है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए में यानी कि एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में जो डिवाइड किया जाएगा, जो आपको डिवाइड करना है, वो 50,000 ही टू द मैक्सिमम डिवाइड करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों मिला के 60,000 रुपये हो जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट आपका उतना नहीं है बच्चे, अगर प्रॉफिट कम है, तो एक्ट में कहा गया है कि उस केस में आप क्या करोगे, 50,000 का जो अमाउंट होगा उतना ही इंटरेस्ट देंगे आप इंटरेस्ट उससे ज्यादा नहीं पे कर सकते। लेकिन सर बताओ ना इंटरेस्ट में कितना कितना पे करूं, तो कहते हैं कि देखो जी उस केस में आपका क्या होगा, इन्हीं का रेशियो निकालो। जरा बताओ ये रेशियो क्या बन गया, तो सर 4-0, 4-2, 4-0 कैंसिल हो गया, रेशियो हो गया 4:2 और हम कह सकते हैं 1:2 आपका, सॉरी क्या निकल के आया जी, 2:1 आपका, 2:1। तो मेरे बच्चे उस केस में क्या होगा, ये जो 50,000 रुपये का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ए और बी में डिवाइड हो जाएगा 2:1 के रेशियो में आपका, 2:1 में। तो जरा बताओ कितना कितना निकल के आएगा जी, एक बार चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर हम लोग यहाँ पे 50,000 के प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय 3 करते हैं इंटू 2, तो ये आ गया 33,333 और इनका निकल के आ गया आपका यहाँ पे 16667 का अमाउंट आपका, और ये हो गया 50,000 रुपये का अमाउंट, 50,000, खत्म हो गई बात। मतलब सुना मैंने क्या बताया, पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि अगर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 60,000, अगर आपके प्रॉफिट से कम होता है तो 60,000 का आप इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते। सर फिर क्या करना होगा, फिर उस केस में इस प्रॉफिट को, जितना प्रॉफिट आपके पास है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा जी, जिस रेशियो में इंटरेस्ट देना था उसी रेशियो के अंदर में आपका, यानी कि 2:1 में क्या करेंगे आप, इस इंटरेस्ट का डिविजन कर देंगे, काम खत्म हो गया बच्चे, यहाँ पे काम खत्म हो गया। तो आप समझे मेरी बात, मैंने क्या बोलना चाहता हूँ, इन शॉर्ट अगर आपका जो प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी कि जो प्रॉफिट आपका अवेलेबल है, अगर इससे ज्यादा का प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में कहते हैं कि भैया आपने जो प्रॉफिट अवेलेबल है वही इसके बीच में इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। रेशियो क्या निकल के आया हमने जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मतलब जो चीजें देना था उसी रेशियो में करना होगा आपको काम। बात समझ में आई, सर पूरी बात नहीं समझ में आई,
कोई बात नहीं। आइए जरा मैं एक और क्वेश्चन के साथ कराता हूँ, आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। आप जरा आ जाइए पेज नंबर 1.12, मैं थोड़ा और क्लियरिफाई करूँगा इस चीज़ को आपका। आप जरा आ जाओ, इसको मैं मिटाता हूँ बच्चे, पहले आपका ये मैं मिटाता हूँ, ये हमने यहाँ पे आपको मिटा दिया। चलिए फटाफट देखते हैं क्या निकल के आता, आपको टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत सारी बातें होने वाली है, ये क्लियर हो जाएगा अपने आप। आप जरा आइए पेज नंबर आपका 1.12, TS ग्रिवाल की बुक हमारी है, पेज नंबर आप लिख रहे हैं यहाँ पे 1.12, और आप इलुस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे 8 देख रहे हैं बच्चे, 8th, आठवां क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है आपका, यहाँ और क्लियरिटी आपके पास आएगी। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ, क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2, रेशियो कहता है 3:2 का आपका है। कहता है कि मैं लिखूँ शॉर्ट में, अच्छा लगेगा आपको, मैं हमेशा एग्जाम में ऐसे लिखता हूँ बच्चे ताकि क्लियरिटी आए क्वेश्चन में आपका। दो पार्टनर है, कहता है कि इनके बीच का जो प्रॉफिट रेशियो आपका है, प्रॉफिट रेशियो वो कहता है कि आपका यहाँ पे 3:2 का आपका है, ठीक है। आगे बढ़ना, कहता है कि एक्स इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है कि वो काम नहीं करेगा, बस पैसा लगा देगा, तभी तो कह रहा है कि उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 20 लाख एज इज कैपिटल। अच्छा, ये क्वेश्चन कहता है जी कि एक्स का जो कैपिटल है ना बच्चे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक्स का जो कैपिटल है वो कहता है कि 20 लाख रुपीज़ आपका है, 20 लाख रुपये कैपिटल आपका है, 20 लाख। आगे पढ़ना, कहता है कि वाई इज अ वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है जो काम करेगा, अपना एफर्ट लगाएगा। तो कहता है कि पार्टनरशिप डिट प्रोवाइड्स दैट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से। अच्छा, एक मिनट, ये क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डिट है बच्चे यहाँ पे, उस डिट में लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, प्लस सैलरी भी पे किया जाएगा एवरी वर्किंग पार्टनर 8,000 पर मंथ के हिसाब से, 8,000 रुपये के हिसाब से आपका, ठीक है। फिर कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, कहता है कि आपका 80,000 का अमाउंट है। बोलता बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। आप मेरी बात सुनो, जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि क्या कहीं पर क्वेश्चन के अंदर में वाई का कैपिटल बता रहा बच्चे? नहीं सर, नहीं बता रहा। तो कोई बात नहीं, वाई का कैपिटल कितना हो गया आपका? नील हो गया, नहीं है बच्चे। होता है कि कभी कभी मान लो कोई अच्छा आदमी होता है, यार मुझे आ जाओ, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ काम करो, तो हमने उसको पार्टनर ले लिया है। अच्छा चलो बताओ एग्रीमेंट में और क्या क्या है। तो सर एग्रीमेंट में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 8% आपका, रेशियो तो हो गया जी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ दिया जाएगा, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बता रहा आपको यहाँ पे, दिस इज 8%, तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। चला मुझे बताओ इंटरेस्ट सिर्फ एक्स को मिलेगा कि वाई को भी मिलेगा? सर वाई को भी मिलता, लेकिन वाई का कोई कैपिटल ही नहीं है जी, तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से देंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर कहता है सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, आप मुझे बताओ वर्किंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? वर्किंग पार्टनर, सर वर्किंग पार्टनर तो सिर्फ वाई है, वाई काम कर रहा है। अच्छा इसका मतलब कि सैलरी हमें पे करना है वाई को, और जरा बताओ वाई को सैलरी कितना पे करना है? सर वो कहता है कि 8,000 पर मंथ के हिसाब से, तो समझो ना आप अच्छे बच्चे हैं, 8,000 रुपये के हिसाब से एक साल में 12 महीने होते हैं ना बच्चे, तो 96,000 के हमें क्या करना जी यहाँ पे सैलरी पे करना है, यही निकल के आया ना आपका। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा जरा क्वेश्चन आगे पढ़ना, मुझे बताओ कि क्वेश्चन में आपका जो नेट प्रॉफिट है फर्म का वो कितना बता रहा आपको? सर क्वेश्चन कहता है कि फर्म का जो प्रॉफिट आपका है वो आपका 80,000 का अमाउंट है आपका, 80,000 रुपये का अमाउंट आपका। बोलता है कि बनाओ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही क्वेश्चन है ना बच्चे? सर हाँ जी सर, यही क्वेश्चन है। आइए देखो, ये काम जो मैंने किया ना, ये काम आप एग्जाम में करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता है, ये करोगे तो वर्किंग नोट्स में करेंगे आप। मैं रेडी करता हूँ आपके लिए सोल्यूशन, आप देखिए सोल्यूशन रेडी करेंगे आप, बनाइए मेरे साथ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने इसमें क्या करना जी, इस अकाउंट के अंदर में आपका ये हमने बनाया, छोटा सा ही बनेगा, बहुत सारी बातें नहीं है, मेरे साथ बनाए, आपको आगे पीछे नहीं करना बच्चे, मेरे साथ ही बनाना है। तो जरा देखो ना, प्रॉफिट आपका यहाँ लिखा गया, बाय नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि 80,000 का अमाउंट आपका है, 80,000 रुपये का अमाउंट, ये कहता है कि भैया प्रॉफिट आपने 80,000 कमाया है। जब भी प्रॉफिट का आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप चेक करना कि आपको जो रेशियो को छोड़कर, इसको छोड़ के बच्चे, जो भी कुछ देना है
ये अमाउंट कहीं 80,000 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है? सर कैसी बात कर रहे हो, यहां तो साफ ही दिख रहा है जी, 80 का प्रॉफिट है, 96,000 सैलरी हमें वाई को ही पे कर देना है और एक्स को इंटरेस्ट भी पे करना है, मतलब ये जो प्रॉफिट आपका है ये कम पड़ेगा इन दोनों का अमाउंट मिला के। इन दोनों का अमाउंट मिलाकर जो प्रॉफिट रेशियो को छोड़ दो बच्चे, उनको छोड़ के जो कुछ भी हमें पहले देना है, हमें चेक करना है कि इन दोनों का अमाउंट मिलाकर इससे कम है कि ज़्यादा है। तो आप आइए जरा मेरे साथ फिर से वर्किंग नोट्स में, आप यहाँ देखेंगे वर्किंग नोट्स नंबर आपका 2, ये लिखा हमने एक्स का नाम और ये लिखा हमने वाई का नाम आपका, दो बंदे यहाँ पे जी, एक्स एंड वाई। मुझे बताओ ना कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा बताइए एक्स को कितना मिलेगा? सर 8% मिलेगा 20 लाख रुपीज पे। जरा बताओ 20 लाख रुपीज का 8% कितना होता है? सर ये हो गया 1,60,000, यही होगा ना बच्चे। अरे 20 लाख रुपए पे 8% कितना हो गया? 1,60,000 रुपये। ठीक है, जरा मुझे बताओ आपका सैलरी जो है, सैलरी आप मुझे बताओ इनको तो नहीं मिलना, वाई को कितना मिलना है जी? सर 96,000 का अमाउंट आपका, 96,000 इंटरेस्ट इनको नहीं मिलना बच्चे। तो मुझे बताइए कि दोनों को आखिर कितना कितना पैसा मिलना है, रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट रेशियो छोड़ दो, अभी उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं कि प्रॉफिट के रेशियो के सिवाय जो बाकी चीज़ें मिलनी है वो कितना कितना मिलना है। तो एक्स का अमाउंट हो गया 1,60,000 रुपये का अमाउंट इनको मिलना है जी, और वाई का अमाउंट हो गया आपका 96,000 आपका, 96,000। जरा दोनों को ऐड करके बताओ अमाउंट कितना निकल के आ गया? सर 160 और 96, ये हो गया आपका 2,56,000 का अमाउंट आपका, 2,56,000 रुपये, यही हुआ ना बच्चों? सर हाँ जी सर, यही निकल गया। अब आप मुझे बताइए कि 2,56,000 रुपये हमें इंटरेस्ट और सैलरी के नाम पे इन दोनों को देना है, आप बताओ कि क्या प्रॉफिट आपका 2,56,000 रुपये है? नहीं सर, प्रॉफिट सिर्फ 80,000 रुपये का अमाउंट है। ओह अब मैं क्या करूँ? तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है बच्चे कि अगर प्रॉफिट कम है, अगर प्रॉफिट कम है और अगर ये अमाउंट आपको ज़्यादा पे करना है तो फिर आप 2,56,000 का पार्टनर्स को पेमेंट नहीं कर सकते। फिर मैं क्या करूंगा? तो वो कहते हैं भैया ये जो 80,000 का जो अमाउंट है ना, वो एक्स एंड वाई में जितना जितना इनका क्लेम बना उसी रेशियो में क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इस 80,000 के लिए हमारा रेशियो क्या बन गया? मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पर रेशियो क्या निकल के आएगा, आपको रेशियो निकालने आता है ना? सर हाँ जी, फिर भी सीख लो कोई बात नहीं। देखो ना, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया आपको यहाँ पे 160 यहाँ और इस 2 यहाँ क्या बच गया आपका 96 का अमाउंट, यही निकल गया है ना बच्चे। तो आपका 160:96 इस रेशियो में क्या होगा जी, हम यहाँ पे आपका डिवीजन करेंगे। अच्छा तो जरा आ जाओ एक बार देखते हैं कि क्या निकल के आएगा। हाँ जी, मुझे यहाँ लिखना होगा, एक तो हमें देना है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख देते हैं कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जरा बताओ इंटरेस्ट किसको देना बच्चे? तो सर वो इंटरेस्ट एक्स को देना है, आपने बोलना है 2 एक्सेज कैपिटल, एक्सेज कैपिटल, और लिख दो ब्रैकेट में यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम आपको दे रहे हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आपका। फिर जरा बताओ वाई को हमें क्या देना है, जरा बताइए वाईज कैपिटल को हमें क्या देना है? सर वाई का एग्रीमेंट क्या था जी, सैलरी देने का, तो आप यहाँ लिख दो कि भैया हम आपको यहाँ पे सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट आपको 160 और 96 का नहीं होगा, हमें क्या करना जी, ये जो आपका प्रॉफिट है यही प्रॉफिट इनके इंटरेस्ट और सैलरी के रेशियो में इन दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो जरा बताओ आपका क्या गया आपको जी, एक्स का कितना होगा? तो आप कहना 80,000 का जो अमाउंट है, 80,000 into कितना जी, 160 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे जी, ये कितना हो गया दोनों मिला के बच्चे? तो 160 + 96 कितना हो गया, 2,56,000 का अमाउंट आपका। तो ये नीचे में आ जाएगा 256, यहाँ पे 256, बताइए कितना निकल के आ रहा है? सर 80,000 into आपका 160 डिवाइडेड बाई आपका 256, ये अमाउंट आ गया 50,000 का, यानी कि 50,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। और वाई को सैलरी के नाम पर कितना मिलेगा? ऐसे तो सैलरी आपको 96,000 मिलना था, पर उतना प्रॉफिट ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि यार आप एक काम करो, 80,000 जो प्रॉफिट है ना उसका आप सैलरी का रेशियो ले लो जी, यानी कि 96, तो आपका हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई आपका कितना जी, यहाँ पे 256 का अमाउंट आपका, 256। बताइए 80,000
इनटू 96 डिवाइडेड 256 कितना निकल के आ जाएगा? सर ये अमाउंट आ जाएगा आपका 30,000, आपका 30,000 रुपये। काम खत्म हो गया बच्चे, काम खत्म हो गया, डिवाइड हो गया प्रॉफिट। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट आपका कम है और पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन जो भी कुछ अगर ज़्यादा पे करना है, ज़्यादा पे करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? 80,000 से उनको ज़्यादा हम पे नहीं कर सकते। हमें फिर क्या करना होगा जी? उस 80,000 को इनके बीच में इसी रेशियो में हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आई? हाँ जी सर, हमें बात समझ में आई। थोड़ी 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 सी और दिक्कत है सर, चलो कोई बात नहीं। मैं थोड़ा एक और अच्छा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, वो आपके लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल आपका है, थोड़ा सा हाई लेवल, फिर भी मुझे पता है कि आप अब इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 था आपका, इसको मैं मिटाता हूँ। आइए, ये हो गया सबका? हो गया बच्चों? अरे हो गया, हाँ जी सर हो गया। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ फिर आपका। आओ जरा देखते हैं यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन, मुझे पता है कि शायद आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लिखे मेरे साथ यहाँ पे, लिखेंगे, एक एग्जाम्पल और बना रहा हूँ। जरा बताओ कितने एग्जाम्पल आज हुए जी, एग्जाम्पल कितने हुए? तो सर एग्जाम्पल अभी आपका एक ही तो हुआ था, एक ही हुआ ना हमारा एग्जाम्पल सर? हाँ, तो आप आएंगे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर लिखो मेरे साथ कि मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर। थोड़ा सा कहानी को और बढ़ा दिया मैंने, आपको टेंशन नहीं करना। इनका कहता है कि जो कैपिटल है, कैपिटल, ये कहता है कि 5 लाख रुपए का अमाउंट है। थोड़ा सा टफ लेवल कर रहा हूँ बच्चे, आपके एग्जाम में हमेशा देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 4 से 6 नंबर के जो बहुत ही टफ होते हैं, बस 4 से 6 नंबर, वो उन्हीं बच्चे को करने आता है जो बच्चे प्रॉपर तरीके से स्टडी किए। तो आप चिंता न करना, उन्हीं क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कवर होता है, टफ नहीं लगेगा आपको अगर मेरी बात समझ में आ जाए। तो कैपिटल हो गया 5 लाख 3 लाख 2 लाख रुपये। कहता है कि इनके पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक कहता है जी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाएगा, वो आपका हो जाएगा मान लो 10% आपका पर एनम के हिसाब से यहाँ पे। फिर कहता है कि सैलरी हमें पे करनी है, सैलरी पे करना आपको यहाँ पे जी ए को और आपका बी को। मान लो ए को 30,000 की सैलरी पे करनी है, बी को मान लो 20,000 की सैलरी पे करनी है, ठीक है ना सर? हाँ जी। फिर कहता आपका यहाँ पे कि जो प्रॉफिट रेशियो होगा, जो प्रॉफिट रेशियो आपका होगा, वो रेशियो मान लो कहता है कि इनके बीच में आपका 1:1:1 का आपका होगा इक्वली। चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लो रेशियो आपका 3:2:1 आपका सपोज कि 1 का होगा, ये भी ले लिया हमने 3:1 आपका यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसे ही देखो कॉमन सेंस, दिमाग कैसे डेवलप करेंगे आप, चला बताओ 5 लाख 3 लाख 2 लाख कितने हो गए सर? 10 लाख। तो 10 लाख का 10% कितना होता है सर? 1 लाख। 1 लाख हमने यहाँ पर लिखा जी, 1 लाख प्लस आप देखो 30 और 20 कितने हो गए? 50,000 रुपये। तो ये 1.5 लाख रुपये हो गया बच्चे, 1.5 लाख। अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में 1.5 लाख से ज़्यादा बोलेगा तब तो क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए आप, जैसे आप पहले से जानते हैं। लेकिन प्रॉफिट अगर 1.5 लाख से कम बोल देगा, मान लो कहता है कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपने जो कमाया है वो कहता है कि 1,20,000 रुपये। मान लो वो कहता है कि 1:20 का आपने प्रॉफिट कमाया, बोलता जरा बताओ जी आप प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया जाएगा? तो मुझे बताइए कि क्या आपका जो प्रॉफिट अवेलेबल है, क्या जितना अप्रोप्रिएशन होना है, रेशियो की बात नहीं कर रहा है, अप्रोप्रिएशन मतलब इनकी बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ इन तीनों का मिला के टोटल, टोटल रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना निकल के आ गया था जी? रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना निकल के आया था बोलिए जरा बताएं। तो सर ये 1 लाख और ये कितना हो गया था जी आपका? 1.5 लाख रुपये, ये 1.5 लाख हो गया बच्चे। और इस 1:20 को हम क्या बोलेंगे आपका? ये है हमारा टोटल अवेलेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, वो अमाउंट कितना बता रहा आपको? 1,20,000 रुपये, यही कह रहा है ना? तो प्रॉफिट आपका 1:20 है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 1.5 लाख रुपये। और हाँ, ये टोटल रिक्वायर्ड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग हमने बात किया प्रॉफिट रेशियो, अभी हम प्रॉफिट रेशियो की बात ही नहीं कर रहे। प्रॉफिट रेशियो तो अंत में आता है बच्चे, लास्ट में आता है, उसके पहले ही कहता है कि भैया आपका यहाँ पे क्या जी कि प्रॉफिट आपने 1,20,000 रुपये कमाया है और 1.5 लाख रुपये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरेस्ट और सैलरी के रूप में। बोलता है कि प्रिपेयर, बोलता है कि प्रिपेयर
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका है ना, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बोलता बताओ कैसे बनाएंगे, आइए मैं शुरू करूँ सोल्यूशन यहाँ पे आपके साथ। आप मेरे साथ बनाएंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं समझ गया हूँ कि मुझसे पहले आप करना शुरू कर चुके हैं, अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या करना आपने। तो ये हमने क्या किया जी, रेडी किया आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे, ये लीजिए हमने यहाँ शुरू किया आपका बनाना। तो मुझे ये बताओ जरा यहाँ पे कि बाय नेट प्रॉफिट, आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है बच्चों। सर प्रॉफिट कहता है कि आपका यहाँ पे टोटल 1,20,000 रुपये है, तो 1,20,000 का प्रॉफिट है और जो प्रॉफिट हमें इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना वो 1,50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, इतना प्रॉफिट आपके पास है ही नहीं। तो मेरे बच्चे उस केस में क्या करना है कि 1,20,000 रुपये ही ए बी सी के बीच में डिवाइड हो जाएगा, किस रेशियो में, जो इन तीनों का मिलाकर ये मिलाकर जो क्लेम बनता है उसी रेशियो में आपका। मतलब आप आइए मेरे साथ वर्किंग में दिखाऊं, आप बोलेंगे जी कि यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आप प्रॉफिट दे देंगे किसके रूप में आपका, तो एक तो ए को मिलेगा, बी को एंड सी को, कितना मैं आपको बताता हूँ। आइए वर्किंग नोट्स के अंदर में, आप वर्किंग नोट्स नंबर वन है यहाँ पे। मुझे बताओ कि तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, इन तीनों को जरा बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलेगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका। तो सर ए को इंटरेस्ट मिलना है 50,000 रुपये का अमाउंट, ये लिखा हमने जी आपका 10% बच्चे यहाँ पे। बी का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका सर, 30,000 आपका, 30,000 रुपये का अमाउंट। और सी का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 20,000, ये लिखा आपने 20,000 रुपये का अमाउंट। इसके बाद देखो जरा सैलरी हमें देना बच्चे, सैलरी आप चेक कीजिए, सैलरी ए का कितना है सर, 30,000। अच्छा जरा बताओ बी की सैलरी कितनी है सर, 20,000, ठीक है यहाँ लिखा आपने, और सी का तो कुछ है ही नहीं आपका यहाँ पे। तो जरा बताओ ए का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 50 + 30 सर 80,000, 80,000 रुपये का अमाउंट। बी का कितना हो गया 50,000, 50,000 रुपये का अमाउंट। सी का कितना हो गया 20,000 आपका, 20,000 आपका। तो ये हो गया बच्चे जो हमें टोटल इनको पे करना है, यानी कि जो टोटल अमाउंट पेबल हो गया, टोटल अमाउंट पेबल वो आपका इतना इतना आपका हो गया इन पार्टनर्स को, 80, 50 + 20 मिलके कितना हो गया सर, ये बन गया आपका 1,50,000 रुपए का अमाउंट, 1,50,000। अब आप मुझे बताइए कि क्या 1,50,000 रुपए है मेरे पास, 1,50,000 है जी, नहीं सर प्रॉफिट तो सिर्फ 1,20,000 रुपये, 1,50,000 नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ, आप बताओ क्या करूँ, आप बताओ जी क्या करूँ मैं यहाँ पे, क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जरा बताओ क्या मैं इंटरेस्ट दे सकता हूँ, नहीं सर, क्योंकि ये मिलाकर 1,50,000 की रिक्वायरमेंट है, पैसा आपका 1,20,000 है। तो आपके पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि इस केस में आपका जो 1,20,000 रुपये है वो आप इसी रेशियो में इन तीनों के बीच में डिवाइड कर दो, लेकिन हाँ डिवीजन आपको 1,20,000 का ही करना है, 1,20,000 से ज़्यादा का नहीं। तो हमने क्या देखा जरा बताओ, यहाँ पे 8:5:2 क्या निकल के आया जी, 2 आपका यहाँ पे, तो 8:5:2 यानी कि इसी रेशियो में क्या करना हमें 1,20,000 को डिवाइड कर देना है। आप जरा मुझे बताओ कि अगर 1,20,000 डिवाइड करूँ तो कितना कितना निकल के आएगा एक अकाउंट में आपका, हमने कहा कि सर 1,20,000 रुपये आपका डिवाइडेड बाई 8, 5 और 2 कितने हो गए सर, 15 से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ पे 8 से। उसी तरीके से बी का आपने क्या करना है जी, 1,20,000 रुपये आपको डिवाइड करना है 15 से और इनका रेशियो कितना बता रहा आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी का आपने क्या करना है जी, सी का 1,20,000 डिवाइडेड बाई आपका 15 इंटू कितना रेशियो बता रहा आपका 2 से मल्टीप्लाई करें। जरा बताओ ए का कितना आ गया, जरा बताना ए का कितना आ गया, आप बताओ ए का कितना आ गया बच्चों, आप बोलते क्यों नहीं ए का कितना आ रहा है, तो 1,20,000 डिवाइडेड 15 इंटू आपका 8, ये आ गया आपका ए का यहाँ पे 64,000 का अमाउंट, 64,000। बी का कितना आ जाएगा जी, तो 1,20,000 डिवाइड में आपका कितना हो गया 3, यानी कि 40,000 रुपये का अमाउंट आपका, 40,000 का अमाउंट यहाँ निकल के आ गया। और सी का बताइए कितना निकल के आ गया, तो 1,50,000 डिवाइड में कितना जी 15 इंटू 2 आपका, ये हो गया 20,000 का अमाउंट आपका, 20,000 का अमाउंट। तो जरा बताओ ये टोटल कितना आ गया आपका, कुछ गलती हो रहा बच्चे, कुछ गलती हो रहा है, ये 8, 5 और 2 कितना 15 हो गए ना सर, ये तो ठीक है, फिर कहाँ गलती हो जरा बताइए, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू आपका 8, ये हो गया 64,000, ठीक है।
एक लाख बीस हजार डिवाइडेड बाई 15 इंटू आपका 5, ये कितना हो गया 40,000 रुपये। और एक लाख बीस हजार डिवाइडेड बाई 15 इंटू आपका 2, अच्छा माफ़ कीजिए, ये 20 नहीं, ये 16,000 का अमाउंट निकल के आ रहा है, आपने बताया नहीं मुझे। अच्छा बताओ तीनों मिला के अमाउंट कितना हो गया आपका 1,20,000 रुपये, काम खत्म हो गया, काम खत्म। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया आपका अमाउंट, बात समझ आ रही है। इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर अवेलेबल प्रॉफिट आपका जितना रिक्वायर्ड प्रॉफिट है अगर उससे कम होगा तो अवेलेबल प्रॉफिट को रिक्वायर्ड के ही रेशियो में हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिवाइड कर देंगे, काम हमारा खत्म हो गया। बात समझ आई बच्चे? सर हाँ जी सर, हमें बात समझ में आई, अब तो ठीक है, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब हमें समझ में आपका आ गया। तो यही तो टॉपिक है बच्चे आपका, यहाँ पे काम खत्म हो गया, हमने जो बातें आपके साथ की थी आपका, मैं इसे मिटा दूँ, हो गया सबका? सर हाँ जी, ये हो चुका हमारा, तो मैं इस टॉपिक को हटाता हूँ, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया आपका, ये टेंशन खत्म, आगे बढ़ता हूँ, आगे खत्म करता हूँ इसको, मैं आगे बढ़ाता हूँ आपका, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब देखो जरा, आप अपने बुक के अंदर आ जाओ, मैं एक थ्योरी आपको बताना चाहता हूँ, एक थ्योरी आपका जो कि पेज नंबर 1.13 पे है, पेज नंबर आपका 1.13, इस पे कह रहा जी कि जरा बताओ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, एग्जाम में पूछता बच्चे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और आपका कहता है जी कि जरा बताओ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज आपके, ये क्वेश्चन आपसे बोलता है कि जरा बताओ डिफरेंसेज क्या है। कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार, एक बार क्या बात करूँ मैं, कितनी बार कह चुका हूँ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को आप अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं बच्चे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जिनको भी आप यहाँ पे एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे, चार्ज की बात कर रहे हैं, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, उन सारे एक्सपेंसेज को हम क्या बोलते हैं आपका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहा था ना मैंने आपको, कहा था कि नहीं कहा था, जरा बताओ सर। हाँ जी कहा था। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो सब कुछ जो प्रॉफिट लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, हमने कहा था यहाँ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस नहीं आता, यहाँ तो आपका आता है जी एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यही बातें की थी ना। अब मैं क्यों बताऊं, क्यों, मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना, पार्टनर्स को यहां पे सैलरी पे करना, पार्टनर्स को कमीशन पे करना, सब कुछ यहां पे जाएगा, कहा तो था मैंने आपको, आप शायद भूलते जा रहे हैं सब कुछ आपका, कहा था मैंने बच्चे आपको, मैंने कहा था कि यहां पे क्या आएगा जी, तो बिजनेस के सारे खर्चे, यही नहीं इंटरेस्ट पे करना हमने लोन पे, अगर हमें मैनेजर को, पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा, मैनेजर को हमें सैलरी पे करना है, मैनेजर को कमीशन पे करना है, तो सब कहाँ जाएगा जी आपका, यहाँ पे जाएगा, कहा था ना बच्चे आपको। सर हाँ जी कहा तो था। देखो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जब निकाले जाते हैं तो नेट प्रॉफिट को निकालने तक में इनको हम खर्च के रूप में दिखा देते हैं, जितने भी खर्चे जिनको आप बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उन सारे खर्चों को प्रॉफिट निकालने के पहले हम खर्च के रूप में दिखाते हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट जो आप यहाँ लेकर आते हैं, इन प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है बच्चे, यानी कि जो एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट निकालने के बाद होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट निकालने के पहले दिखाए जाते हैं, पहले दिखाए जाते हैं। बाकी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार आइए मैं आपको पढ़ूँ आपके साथ, जरा बताना कि क्या मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, पढ़िए मेरे साथ पेज नंबर 1.13, और आपको डिफरेंस भी बता रहा जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के बीच में, पढ़ेंगे आप। पहला कहता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर में, बुक देखिए, बुक देखेंगे जल्दी से आप, बुक देखेंगे, इट मींस डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू एज सर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस आपका, कहता है कि इसका मतलब क्या जी, रेवेन्यू में से जिनको, रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट में से, इनकम में से जिनको आप डिडक्ट करते हो उनको बोलते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वही बात जो मैंने आपको समझाया था। और देखो ना एप्रोप्रिएशन में क्या बता रहा है, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू द पार्टनर्स आपका, प्रॉफिट को जो पार्टनर्स बीच में डिवाइड करना उसको हम क्या बोलते हैं आपका, एप्रोप्रिएशन कहते हैं, कहां कुछ नया है। अच्छा जरा पढ़ना पॉइंट नंबर 2 क्या बता रहा है, पॉइंट नंबर 2, इट इज मेड, सॉरी, इवन इफ देयर इज लॉस,
आप देखो याद कीजिए 11वीं क्लास, चाहे प्रॉफिट निकल के आए चाहे नेट लॉस निकल के आए फर्क नहीं पड़ता, आपको सभी को यहाँ पे खर्च के रूप में दिखाना है, जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं उनको खर्च दिखाना ही दिखाना बच्चे आपका। लेकिन कहते हैं जरा पढ़ना एप्रोप्रिएशन में, इट इज मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। कहते हैं कि प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन होगा तब होगा अगर प्रॉफिट होगा, स्वाभाविक सी बात है। अरे प्रॉफिट होगा तभी तो उसको डिवाइड करूंगा पार्टनर्स के बीच में। आप बताओ अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या करूंगा मैं? कोई गलत बोल बता रहा हूं बच्चे? ये कुछ गलत बोल रहा आपका? मैंने कुछ गलत सिखाया आपको? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है आपका, वही बात जो आप बोले थे वही बात तो कह रहा है कि भैया एप्रोप्रिएशन तब होगा जब प्रॉफिट होगा। हाँ तभी तो हम इंटरेस्ट देंगे, सैलरी कमीशन पे करेंगे पार्टनर्स को, अदरवाइज प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री देखें आप। पॉइंट नंबर थ्री, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कहता है कि इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये देखिए आप प्रॉफिट लॉस में तो दिखाते हैं, लेकिन इसके बारे में कहता है इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, ये हमारा डेबिट साइड होता है बच्चे, ये हमारा डेबिट साइड होता है। तो कहते हैं कि जो एप्रोप्रिएशन होगा वो इसके डेबिट में ही आएगा, कोई नई बात नहीं है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। फिर चौथा कहता है, आप देखो हंसी की बात है, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा जी, इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। कहता है कि जो एक्सपेंसेज हैं एप्रोप्रिएशन के पहले दिखाते हैं, ये तो हमें पता है, एक्सपेंसेज को दिखा के ही तो प्रॉफिट निकालूंगा और फिर उस प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएट करेंगे। तो कहा जाएगा कि एक्सपेंस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन के पहले होता है और एप्रोप्रिएशन जो है जी वो इसके बाद होता है, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। वही कह रहा बच्चे कि फोर्थ में कहता है कि इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, और उसको कहता है जी इट इज डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, सारे चार्ज दिखाने के बाद, खर्चे दिखाने के बाद, कोई नया चीज नहीं है। पांचवा पॉइंट तो आपको और भी आता है, हमने समझाया था। ये देखो रेंट पे टू पार्टनर, पार्टनर्स को रेंट पे कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी के बदले में, एक्सपेंस कहा था ना बच्चे, कह रहा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर आइटम आएगा। फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर के लोन पे कोई इंटरेस्ट पे किया वो भी क्या होगा जी, एक्सपेंस ही मानेंगे आपका। और देखो ना एप्रोप्रिएशन में क्या बता रहा है, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रिजर्व में ट्रांसफरिंग हो गया, ये सभी क्या बता रहा है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन आपका है। ये बात आपको पता है, सुनने में आ रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है और चांसेस चार नंबर में क्वेश्चन आने के हैं बच्चे, तो आप ये गलती नहीं करेंगे, इस बात को बड़े ध्यान से रखेंगे। लिख दो जहां डिफरेंसेज लिखा है उसके आगे में मोस्ट इंपॉर्टेंट और ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड है बच्चे, एक्सपेक्टेड है कि शायद एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए आपका, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हमने ये टॉपिक खत्म किया बहुत प्रॉपर तरीके से। सर क्या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म हो गया? नहीं बच्चे, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी आगे कई सारे क्वेश्चन में आएगा, आपको भूलना नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, मैं फिर आऊँ यहाँ पे, ख़त्म हो गया। आज मैंने आपको दूसरे टॉपिक में लेके आना था, मैंने आपको याद होगा पिछली क्लास में प्रॉमिस भी किया था कि आज मैं आपको सिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, आपका पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। तो लिखिए आज का टॉपिक है जी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखिए मेरे साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आखिर कैसे बनते हैं, अकाउंट कैसे बनते हैं। पहले तो हमें यह जानना होगा कि आखिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया क्यों जा रहा है, क्यों बनाऊं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या रीजन निकल के आता है। तो आइए जरा एक बार 11वीं क्लास को और 12वीं क्लास को थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे बच्चे, फिर समझते हैं कि आखिर क्यों रिक्वायरमेंट यहां पे आ गई, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा। याद कीजिए ये रहा आपका 11वीं क्लास। सर लिखूं मैं? नहीं बच्चे, आपको ये नहीं लिखना, ये सिर्फ मेरे साथ मेरी बातें सुननी है, कुछ बातें आपको दिमाग में भी बैठानी है, सारी बातें थोड़े लिखेंगे आप, आपका दिमाग भी तो है, भगवान ने दिमाग दिया है आपको, पता है मनुष्य जो है मनुष्य वो अपने दिमाग का सिर्फ 1% ही दिमाग यूज करता है, तो आप कम से कम 1% तो यूज करो, कुछ तो बैठाओ दिमाग में। लिखने की बात मैं बता दूंगा, यहाँ पे आइए याद करो 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, याद है आपको? हाँ जी सर हमने बनाया था। फिर आपने बनाया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बनाया था आपने? हाँ जी सर हमने ये भी बनाया था। तो याद करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपने निकाला था यहाँ पे नेट प्रॉफिट। सर याद आया, निकाला था सर हमने प्रॉफिट आपका, हाँ मुझे याद है, सब कुछ आपको याद आ रहा है, आप अच्छे बच्चे हैं ना। फिर आपने याद करो बैलेंस शीट बनाया था, और मैं आपको याद दिलाऊं उस बैलेंस शीट में जो भी आपके ओनर का कैपिटल था बच्चे, आपने 11th क्लास में जितनी स्टडी की थी उसमें एक ही मालिक था, दो या तीन मालिक नहीं थे आपके पास, तो आपके पास एक मालिक था और उस मालिक का जो भी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल आप उसको यहाँ लिखा करते थे, याद आ रही बात? सर हाँ जी।
फिर आपने क्या किया था, अगर कोई साल के बीच में उन्होंने ड्राइंग्स किया है, अगर कुछ ड्राइंग्स किया है तो याद कीजिए ड्राइंग्स को आप उनके कैपिटल से यहां लाके माइनस कर दिया करते थे। आप जितना कैपिटल साल के स्टार्टिंग में है उनमें आप ड्राइंग्स को माइनस करते थे। यही नहीं, अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल दिया था, एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि साल के बीच में घर से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ पैसा लगा के बिजनेस में लगाया था, तो आपने बच्चे उसको यहाँ पे आपने ऐड किया था। याद आ रही ना बातें आपको? सर हाँ जी सर, हमें याद आ रही है। और हाँ, फिर ये जो प्रॉफिट आपने कमाया था, इस प्रॉफिट को भी आपने क्या किया था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट को अगर आपने निकाला था जी, तो आप यहाँ पर लाकर उसको ऐड कर दिए थे। आप यही काम किया था ना, प्रॉफिट तो ऐड किया था, लॉस तो आपने माइनस किया था, फिर आपका निकल के आ गया था भैया, यही हमारा क्या निकल के आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आपका, और उसको आपने बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखा था। आप याद करो ये काम आपने किया था, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपने सारी बातें इलेवन क्लास में पढ़ी हुई है। सर फिर आप समझा क्यों रहे हो जब हमने पढ़ा हुआ इसके अंदर में आपका? तो रीजन क्या निकल के आता है बच्चे, ये तो 11वीं क्लास की स्टडी थी, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं 12th क्लास के अंदर में। आप जरा याद करो 12th क्लास में अब यहां पे हम क्या शुरू किए आपका। देखो मैंने पहली क्लास में आपको कहा था यहां भी आपको बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो हमें नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये चीज आपने प्रॉपर तरीके से 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, इसलिए 12th क्लास में दोबारा आपको नहीं पढ़ाया जाता। ये हमारा हो गया जी नेट प्रॉफिट आपका। चलो हमने क्या किया, ये प्रॉफिट हमने निकाल दिया, इसके बारे में हम कितने बार आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहां बनाना है बैलेंस शीट। लेकिन मेरी परेशानी समझो, मेरी परेशानी मतलब अकाउंट्स की परेशानी, आप बताओ कि क्या अगर मैं बात कर रहा हूं पार्टनरशिप का, तो बताइए पार्टनरशिप के अंदर में क्या एक ही पार्टनर होते बच्चे, एक ही पार्टनर होते? नहीं सर, ये तो बात थी आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के बारे में, सोल प्रोप्राइटर आपका, यानी कि एक ही बंदा मालिक था यहां पे। बट यहां पे मालिक एक नहीं होंगे, एक है, दो है, तीन है, कई सारे मालिक हो सकते हैं आपका। तो मुझे बताओ कि अगर यहां पे मान लो ए का भी कैपिटल है, बी का भी कैपिटल है, सी का भी कैपिटल है, तो इन तीनों के कैपिटल में हमें क्या करना होगा? इन तीनों के कैपिटल के अंदर में एक तो हमें क्या करना होगा जी, इन तीनों का ओपनिंग कैपिटल लेना पड़ेगा, इनकी ड्रॉइंग्स चेक करनी पड़ेंगे कितनी है, इनका एडिशनल कैपिटल, इनका प्रॉफिट, और हाँ प्रॉफिट हमने पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, इंटरेस्ट दिया था, सैलरी दिया था, कमीशन, पता नहीं क्या क्या चीजें दी थी। तो हमें प्रॉपर तरीके से यहां तो आसानी से हमने कर दिया था जी कि भैया एक बंदा था यहीं पे प्लस माइनस कर दो, लेकिन यहां पे क्योंकि तीन चार लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, हमें प्रॉपर तरीके से दिखाना होता है कि किन का कैपिटल कितना कितना आपका हुआ, और वही कैपिटल आपका क्या होगा यहां पे बाहर में जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता है बच्चे, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता है, ये हमारा क्या आपका है, क्लोजिंग कैपिटल आपका है। तो हमने कहा इस क्लोजिंग कैपिटल को पता करने के लिए, इस क्लोजिंग कैपिटल को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों के अकाउंट को बनाना होगा, और कुछ नया नहीं करूंगा, वही काम जो पहले आप बैलेंस शीट में ऐसे ही कर दिया करते थे, उन चीजों को हम क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से यहां पे ऐड करेंगे, प्लस माइनस जो भी करना होगा, और वही कैपिटल अकाउंट आपका हो गया। तो आइए जरा मैं एक काम करता हूं, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू करता हूं, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है उसको देखते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर हमें आया कि नहीं आया आपका, ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूं, मैं इसको मिटाऊंगा बच्चे आपका, इसको मैं मिटाऊंगा। मैंने पहले बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आखिर क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि दो तीन पार्टनर हैं, उन तीनों चारों दो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका कैपिटल एंड में कितना है हमें प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है, उसके लिए बनाना पड़ रहा है आपका, ठीक है ना। अच्छा अब लिखना शुरू करेंगे आप यहाँ पे, लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे काम मेरे साथ। कहते हैं कि आपका, मैं एक एक लिखेंगे मेरे साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। ये लीजिए आप, एक क्वेश्चन शुरू किया आपने, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आपका, हम इसके थ्रू इन बातों को समझेंगे आपका, ये क्या निकल के आता है, पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या होता है। डायग्राम से लिखूंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आपकी आएगी। एक डायग्राम बनाया, मान लो ये आपका 1 जनवरी 2016 है, 1 जनवरी साल का स्टार्टिंग बच्चे, साल का स्टार्टिंग। कहता है कि यहां पे मान लो आपके दो पार्टनर हैं, एक है ए, एज कैपिटल आपको बता रहा जी, और यहां कहता है बीज कैपिटल, मतलब दो पार्टनर है और दोनों ही पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग मान लो इनका 3 लाख रुपए का कैपिटल है और इनका मान लो 2 लाख का कैपिटल है, तो दोनों ही पार्टनर का जो ओपनिंग कैपिटल है उसको हमने क्या किया यहां पर लिखा आपका। फिर क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, इस पूरे साल, मैं डायग्राम से समझाऊंगा ज्यादा क्लियरिटी आपके पास आएगी, इसलिए आप लिखे मेरे साथ यहां पे।
ड्यूरिंग द ईयर कहता है कि इन्होंने ड्रॉइंग्स किया बच्चे, ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेस से कुछ पैसा इन्होंने बाहर निकाला था। ड्रॉइंग्स कहता है कि ए ने और बी ने, ए का कहता है कि 40,000 की ड्रॉइंग्स है और बी का कहता है कि मान लो 30,000 का ड्रॉइंग्स आपका है। ए का ड्रॉइंग्स कहता है कि 40,000 रुपये का, सॉरी कितना लिखा जी, हाँ जी 40,000 का, और बी का 30,000 रुपये का। कहता है कि ये रहा आपका एंड ऑफ ईयर, यानी कि 31 दिसंबर 2016 आपका 2016 का एंड। मुझे बताओ साल के एंड में क्या होता है, हम पूरे साल का पता करते हैं कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट कितना कमाया। मान लो नेट प्रॉफिट जो आपने कमाया है वो प्रॉफिट कहता है कि आपका 4 लाख का प्रॉफिट है, 4 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया है। आपको पता है ना कि ये प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में जी, और पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना वो कहाँ लिखा होता है, सर पार्टनरशिप डीड के अंदर में। तो मैं चलो इस कंपनी का इस पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनरशिप डीड है वो आपके सामने रखता हूँ। वो क्या बोल रहा है, डीड में कहा गया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। क्वेश्चन सारी बातें कहेगा बच्चे, जो बोलेगा वही काम करना, फिर झगड़ा कुछ नहीं। मान लो कहता जी 10% आपका होगा पर एनम के हिसाब से, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर कहता है क्वेश्चन के अंदर में आपका यहाँ पे कि सैलरी हमें देनी है, सैलरी हमें देना है आपका ए को भी बी को भी। मान लो ए कहता है कि भैया मुझे 20,000 चाहिए पर एनम की सैलरी, और बी का डिमांड मान लो 15,000 पर एनम की सैलरी आपका है जी, पर एनम बचे आपका। और फिर कहता है कि इसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट बच जाएगा बैलेंस प्रॉफिट, वो हम लोग आपस में मान लो यहाँ कहता है कि आपका 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। हमेशा एग्रीमेंट होता है कि कैसे करना, वो क्वेश्चन कहता है कि भैया 3:2 में क्या करना, प्रॉफिट को डिवाइड करना। अब ये क्वेश्चन बना दिया, फिर कहता है कि प्रिपेयर आपको बनाना है, लिखिए मेरे साथ सारे बात लिखेंगे मेरे साथ, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका ये आपको बनाना है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना सर, हाँ जी। और लिख देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में यहां पे अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर ये क्या होता है, अभी नहीं समझाया बच्चे मैंने आपको, अभी नहीं समझाया, बट आप चिंता ना करो, आज जब हमारी क्लास खत्म होगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, आप टेंशन ना लो। तो आपने कहा कि भैया बनाओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो चीजें हमें यहाँ पे बनानी है, ठीक है ना। चलो शुरू करता हूँ, पहले जो चीज आपको आता वो तो बना लूं। आप एक काम कीजिए, सॉल्यूशन में आप स्टार्ट कीजिए बनाना यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने यहां पे शुरू किया बनाना जी प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ना मैं इस अकाउंट में क्या करने वाला हूं, ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये शुरू किया बच्चे हमने यहां पे, ये हमारा हो गया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप मेरी बात सुनो, आप जरा बताओ कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, सर 4 लाख रुपए। यहां लिखा आपने जी बाय नेट प्रॉफिट आपका जो अमाउंट है वो कहता है कि 4 लाख रुपए का अमाउंट है, कोई झगड़ा तो नहीं है बच्चे? नहीं सर, कह तो रहा है कि 4 लाख अमाउंट है, लिख दो यहां पे आपका। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर पार्टनरशिप डीड आपका। डीड में कहता है कि पार्टनर्स को हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। जरा बताओ इंटरेस्ट किसको मिलेगा, सर दोनों पार्टनर को। तो आपने लिखा एज कैपिटल अकाउंट और आपने लिखा यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट आपका, ए और बी। मुझे बताओ 10% के हिसाब से 3 लाख का कैपिटल कितना होता है, सर 30,000 का अमाउंट आपका, 30,000 रुपये। अच्छा मुझे बताओ 10% के हिसाब से 2 लाख का कैपिटल कितना होता है, 20,000 रुपये का अमाउंट सर आपका, 20,000। तो 50,000 आपका टोटल क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही हुआ ना बच्चे? सर हाँ जी सर, ये 50,000 का अमाउंट हो गया। इसके बाद कहता है कि जरा देखो हमें सैलरी पे करना है, आपने लिखा यहाँ पे पार्टनर्स को हमें सैलरी देना है जी, सैलरी। आप जल्दी से सैलरी का अमाउंट भी एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में लाके आप ऐड कीजिए सैलरी का अमाउंट आपका। मुझे बताओ सैलरी कितना है, सर ए का कहता है कि 20,000 का अमाउंट है और बी का कहता है कि आपका 15,000 का अमाउंट आपका है, तो टोटल मिल के अमाउंट कितना हो गया, 35,000, ठीक है। तो 35,000 रुपये की सैलरी हमारी होगी, बात समझ में आ रही है सर, हाँ जी। इसके बाद कहता है कि अब जो बैलेंस बच जाएगा उसको 3:2 में डिवाइड कर दो। तो आपने कहा यहाँ पे 2
बैलेंस प्रॉफिट जो बच गया, बैलेंस प्रॉफिट आपने ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर करेंगे जी आप यहाँ पे? तो सर ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो तो एक एज कैपिटल अकाउंट में, दो ही पार्टनर तो है, और एक आपका बीज कैपिटल अकाउंट में, यही काम होगा ना बच्चे? सर हाँ जी यही काम होगा, जल्दी बताओ सर, ये तो सिंपल सी बात है, तो हम जानते हैं। मैंने कहाँ मना किया कि आप नहीं जानते? आप तो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, पता नहीं कितनी सारी शक्ति आपके अंदर आ चुकी है, आप सब कुछ जानते हैं, आपका सब कुछ। मैं उन्हीं बातों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फटाफट बढ़ूंगा आगे। तो चलो बताओ, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था, इसमें से आप 85,000 का अमाउंट डिवाइड कर चुके हैं, यानी कि 3,15,000 रुपये बचे, 3,15,000, 3,15,000 का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हमें क्या करना है, इनके बीच में डिवाइड करना 3:2 के रेशियो में आपका। तो आइए जरा 3:2 जरा बताओ, डिवाइड बाई 5 × 3 कितना हो गया आपका? सर ये आ गया 189,000 आपका। अच्छा फिर जरा बताओ 2 कितना हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे हमने बोला जी आपका कितना था, 3,15,000 रुपये का अमाउंट डिवाइडेड बाई आपका 5 × आपका कितना था बच्चे, 2, ये आ गया 126 आपका, 1,26,000 रुपये का अमाउंट आपका, 126 का अमाउंट, खत्म हो गई बात आपका। ये काम हमने कुछ नया थोड़े सिखाया, ये काम तो पहले से भी जानते हैं, पिछले 2-3 क्लास हम यही तो काम करते आ रहे हैं। आज मैं सिखा रहा हूँ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए ध्यान देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। पता है मुझे ना, मुझे तो जगह चाहिए बच्चे, जगह चाहिए, और पता मैं क्या करूँगा, मैं जगह कहाँ निकालूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ निकाल दूँ मैं आपके लिए जगह? सर हाँ जी सर, यहाँ निकाल दो आप। तो एक काम करता हूँ, ये जो 4 लाख रुपये का अमाउंट है मैं उसको थोड़ा और छोटा करके यहाँ लिख दूँ, ताकि वहाँ जगह मुझे मिल जाए। आप मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना? सर हाँ, जगह नहीं है आपके पास, इसलिए तो काम कर रहे हैं। हाँ बच्चे यही काम है, हम कॉमर्स के बच्चे हैं ना, कॉमर्स के बच्चों को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, आपको पूरे काम यही तो करना है। कंपनी जब बड़ी हो जाएगी, कंपनी में आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पे एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, इम्प्लॉय कहाँ एडजस्ट करूँ, पैसा कहाँ एडजस्ट करूँ, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मज़ा आता है बहुत वहाँ पे। खैर आइए जरा बताओ कितने पार्टनर्स हैं? सर 2 पार्टनर हैं। तो आप मेरे साथ बनाए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे। अगर 2 पार्टनर हैं तो आप यहाँ पे क्या करें, 2 कॉलम रेडी कीजिए, एक तो ए का और दूसरा बी का है। जितने भी पार्टनर्स होंगे हम उतने कॉलम आपके साथ रेडी करेंगे बच्चे यहाँ पे। अगर 2 पार्टनर हैं तो हम 2 कॉलम रेडी करेंगे, 3 पार्टनर्स होंगे तो 3 कॉलम, क्या फर्क पड़ता है आपका यहाँ पे? मैं थोड़ा और इधर लेके चला जाऊँ आपका, ये हमारे पास हो गया, 2 पार्टनर्स की बात करनी है हमने यहाँ पे, वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया आपका। सर मुझे बताओ पार्टनर्स के नाम क्या है? सर एक है ए, दूसरा है बी, एक है ए दूसरा बी आपका, ये लिख दिया हमने यहाँ पे आपका बच्चे, लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आप छोटे बच्चे नहीं है, आप 11th क्लास पढ़ के 12th क्लास में आ पाए, आपको पता होना चाहिए। मुझे जरा बताओ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो किधर लिखा जाता है, कोई बताएगा? कि पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है कि डेबिट में आता है, याद है किसी को? सर हम भूल गए, सर भूल गए, कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, मैं बता देता हूँ, याद रखना बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जितने भी नाम होते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जितने भी नाम होते हैं, उन सब का ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट में होता है, आप कसम खा लो। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होता है जरा बताओगे? सर कैपिटल होता है, लाइबिलिटी होता है, रिजर्व होते हैं। हाँ बच्चे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जितने भी नाम होंगे ना, उन सब का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। तो आपने क्या किया, बाय बैलेंस बीडी लिखा। जरा बताओ ए का कैपिटल कितना था स्टार्टिंग में जी? सर 3 लाख रुपए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे कोट किया आपने, 3 लाख का अमाउंट। जरा बताओ बी का कैपिटल कितना था, 2 लाख रुपए। तो आपने क्या किया, यहाँ लिखा 2 लाख रुपए का अमाउंट आपका। देखो ना, अब आ ही गए तो थोड़ा सा और भी समझा दो। मुझे बताओ, हमने कहा कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जितने भी नाम होते हैं उन सब का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है बच्चे, क्रेडिट साइड में। तो चलो बताओ कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी नाम होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस फिर किधर होगा? सर डेबिट में होगा, फिर तो उल्टा ही है ना बच्चे, उल्टा डेबिट में आपको चला जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बट आप चिंता नहीं करना, ये तो मैं बार बार यूज करूंगा, बार बार, चाहे आपके दिमाग में किसी तरीके से बैठ जाए, मुझे उस चीज़ को बैठाना बच्चे आपका। तो याद रखना जितने भी आपके बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में नाम होते हैं, चाहे वो कैपिटल चाहे कुछ भी, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है।
एक बात और बता रहा हूं, आप किसी को बोलना नहीं, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में होनी चाहिए। पता है जिनका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है ना बच्चे, जिनका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है उनका बढ़ना हम और क्रेडिट करते हैं। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो आपका बढ़ना, अगर वो अकाउंट इंक्रीज करेगा बढ़ेगा तो हम उसको और क्रेडिट करेंगे, और अगर वो अकाउंट कम होगा डिक्रीज करेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। कितनी सिंपल सी बात है। आप देखो 11वीं क्लास में कितना टफ काम किया था आपने यार, अगर लेजर अकाउंट बनाना तो पहले एंट्री सोचो, वो पहले सोचना पड़ता था रियल अकाउंट नॉमिनल, कुछ नहीं सोचना यार। यहाँ सिंपल सी बात है, जितने भी लायबिलिटी साइड में नाम होते हैं दे ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, वेन एवर दे विल इंक्रीज, जब भी बढ़ेंगे दे विल बी क्रेडिटेड आपका। जब भी जिनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है, बढ़ना क्रेडिट करूंगा घटना डेबिट करूंगा। इसी तरीके से आपका एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है तो उनका बढ़ना डेबिट करेंगे घटना क्रेडिट करेंगे। आप चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं आपका बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए ए का कैपिटल और बी के कैपिटल आपका इतना है। अब जरा मुझे ये बताओ, यहां देखो डायग्राम को, ए ने 40,000 रुपये बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, ड्रॉइंग्स कर लिया। मुझे इतना बताइए कि अगर ए ने 40,000 ड्रॉइंग्स कर लिया तो उनका जो कैपिटल है यानी कि क्लेम जो कैपिटल है वो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा बच्चे? आप बताओ जरा, अगर ए ने 40,000 साल के बीच में ड्रॉइंग्स कर लिया, पैसा निकाल लिया बिजनेस से, तो बिजनेस में जो उनका कैपिटल है यानी कि जो उनका क्लेम है वो क्लेम बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। अगर वो क्लेम कम हो जाएगा तो फिर आपको डेबिट करना पड़ेगा। ये देखिए कम होना डेबिट किया जाएगा, आप यहां बोल दो जी टू ड्रॉइंग्स, आप यहां बोल दीजिए टू ड्रॉइंग्स, आपने क्या किया पैसा विड्रॉ कर लिया। आप बताओ ड्रॉइंग्स कितना हुआ, तो ए का ड्रॉइंग्स कहता है कि 40,000 है, यहां लिखो 40,000, और बी का ड्रॉइंग्स कहता है कि 30,000 आपका है, तो यहां लिखा आपने 30,000 का अमाउंट आपका, यहां पे खत्म होगी बात आपका। यही काम हुआ ना बच्चे, तो कैपिटल आपका यहां ड्रॉइंग्स किया कैपिटल कम हो जाएगा, हम डेबिट कर देंगे यहां पे आपका डेबिट कर देंगे, ठीक है। और देखो क्या हुआ, तो बस साल के बीच में सर यही हुआ था, अब हम साल के एंड में आ गए। साल के एंड में आपने क्या किया, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने ये अकाउंट बनाए हुए। तो जो जो चीज आपने पार्टनर्स के कैपिटल में प्लस माइनस करना वहां पे करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो जरा बताओ कि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर बढ़ेगा। अरे पार्टनर को अगर मैं इंटरेस्ट दूंगा तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना बच्चे, उनमें ऐड करना पड़ेगा यार। तो आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। और इसमें भी क्या टेंशन करना, आप 11वीं क्लास में पढ़े हैं, आप याद कीजिए कि अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने कहा टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो एबी में क्या बोलेंगे भाई, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग होता है, इसका डेबिट उसका क्रेडिट। तो मैं कह रहा हूं कि देखो जी आप यहां क्या बोलेंगे भाई, ध्यान दीजिए, आपने बोला प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू ए और बी, तो एबी में क्या बोलेंगे जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका। अब देखो ये एंट्री भी आपका जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो बार बार मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखूंगा, एक बार ही लिखकर और इसी के अंदर दिखा दूंगा क्या क्या है जी। एक तो इंटरेस्ट दिया गया, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहां देंगे। जरा बताओ इंटरेस्ट कितना जी, तो सर ए को 30, बी को 20 आप, तो ए में आप क्या करो 30,000 और बी में आप क्या करें 20,000 यहां पे लाके आप ऐड कर दें, उनके कैपिटल में ऐड हो रहा बच्चे, ऐड हो रहा आपका। फिर आपने बोला सैलरी दिया ए और बी को, एंट्री क्या बना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो ए बी में क्या बोलेंगे हम लोग, बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी के अंदर दिखा दो सैलरी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलेगा तो उनके कैपिटल में हम क्या करेंगे, वो ऐड कर देंगे बच्चे, उनका हो जाएगा वो। तो देखो ना 20,000 and 15,000, तो 20,000 रुपये आपने क्या किया ए में ऐड किया, और बी में कितना ऐड किया हमने जी, सर 15,000 रुपये का अमाउंट आपका। ये भी काम खत्म हो गया, ये भी काम खत्म हो गया। इसके बाद आगे देखो प्रॉफिट का हिस्सा इनको दिया गया, आप बताओ ए और बी का प्रॉफिट, तो आपने कहा इसी के अंदर में जी शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट आपका, आपने प्रॉफिट का हिस्सा कितना कितना दिया, तो ए का दिया 1,89,000 और बी में दिया आपने यहां पे जी 1,26,000, 1,26,000 का अमाउंट। कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं,
जो हमने लेजर अकाउंट बनाया उसी की क्रॉस पोस्टिंग कर रहा हूँ बच्चे, और कुछ नहीं आपको यहाँ पे, काम खत्म हो गया। अब देखो ना, हमने ओपनिंग कैपिटल यहाँ लिख दिया जी, जो आपने ड्रॉइंग्स किया वो कैपिटल से माइनस कर दिया, और साल के एंड में प्रॉफिट जिस जिस तरीके से आपको दिया गया वो प्रॉफिट हमने आपके अकाउंट में ला के क्या किया, ऐड कर दिया आपका, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हमें जानना होगा कि आखिर कैपिटल हमारा एंड में कितना है। आओ जरा, अब कौन सी बड़ी बात है, देखो जरा मैं समझाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है, आपको रटना नहीं है बच्चे, देखो क्या मतलब निकल के आ रहा है। ए कहता है कि यार 3 लाख मेरा कैपिटल पहले से था, 3 लाख का अमाउंट आपका, फिर कहता है कि 30,000 हमें इंटरेस्ट मिला, तो मेरा 3 लाख रुपए जो था वो बढ़ के 30,000 हो गया जी, फिर हमें सैलरी भी मिला है 20,000, आप वो भी क्या करो उसके अकाउंट में ऐड कर दो, फिर हमें प्रॉफिट में भी शेयर मिला तो आप 1,89,000 वो भी ऐड कर दो, तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया 5,39,000, यानी कि जो कैपिटल पहले से था और प्रॉफिट में जो हमें हिस्सा मिला ये सारा कुछ मिलाकर हमारा हिस्सा बन गया 5,39,000 का, 539। लेकिन इस 539 में आप देखो ऑलरेडी कितना निकाल चुके हो, 40,000 रुपये ड्रॉइंग्स कर चुके हो ना बच्चे, बिजनेस से बाहर लेके जा चुके हो, तो 539 में अगर मैं 40,000 विड्रॉ कर चुका हूँ फिर भी मेरा कैपिटल एंड में कितना बचा हुआ है, 4,99,000। ये हो गया आपके कैपिटल का टू बैलेंस सीडी। खत्म होगी बात, कहाँ कुछ दिक्कत है यार, कहाँ कुछ दिक्कत है, ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग हो रहा है, ये जो भी चीज़ आपको मिला उसको ऐड करो, जो निकाला उसको माइनस करो, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा चला एक बार बी का चेक करता हूँ, बी कहता कि मेरा कैपिटल पहले से 2 लाख रुपये का था, फिर कहता हूँ यार 20, 15, 35,000 रुपये मुझे और मिला, मुझे 1,26,000 रुपये और मिला प्रॉफिट का आपका, तो टोटल अमाउंट मेरा जो हो गया वो 3,61,000 हो चुका है, 361। लेकिन 361 में ऑलरेडी 30,000 मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, तो बिजनेस में मेरा क्लेम यानी कि कैपिटल कितना रह गया आपका, 331 आपका, और इस तरीके से ये भी काम खत्म हो गया, खत्म होगी बात आपका। आप बताओ ना क्या करो इसके अंदर में यार, ये कौन सी बड़ी बात है, क्यों 12th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ये तो चौथी 5वीं क्लास की चीज़ है, कि आपने क्या करना है कि आपके अकाउंट में जो कुछ है प्लस माइनस करो, काम खत्म करो आपका, ये खत्म होगी बात आपका, खत्म होगी बात। आप प्लीज कॉपी कर ले इसको, आप कॉपी कीजिए, मैं फिर और आगे बात करूंगा, आप इसे कॉपी करें फिर आगे बात करता हूं मैं यहां पे। हो गया बच्चों, अरे हो गया कॉपी, हो गया, अगर नहीं भी हुआ तो आप मुझे पॉज कर लो और फिर आप प्रॉपर तरीके से तसल्ली से लिख लो, फिर मैं इसको शुरू करता हूं आपका। हो गया, हाँ जी सर हो चुका, चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये ऐसी क्यों नहीं चल रहा जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो इसे मिटा दो बच्चों, हाँ जी सर मिटा दो ये, हाँ हो गया हमारा काम। तो आइए जरा एक काम करना, पर लिख दो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चे आपका, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 1। मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में आपको सारी बातें समझाता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, इनको टुकड़े टुकड़े करके हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे आपका। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, आप जरा आए जल्दी से फटाफट, एक बार देखते हैं एक और क्वेश्चन और फिर हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा और कुछ बारे में, इसके बारे में, ये भी मैंने हटा दिया, ये भी हटा दिया, शुरू करता हूं मैं आपके साथ। आप कहीं थके तो नहीं है? नहीं सर, कहां थक सकता हूं, अभी क्लास ही कितनी देर हुई, अभी मुश्किल से अभी 45 मिनट तो क्लास हमारी गई है, थक कैसे जाएंगे सर, टाइम इतनी जल्दी कैसे गुजर जाता पता नहीं बच्चे, लेकिन कब आपका 12th क्लास खत्म हो जाएगा, बोर्ड आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको जहां भी परेशानी होगी आपको फटाफट क्या करना, रिवीजन करते रहना है। आप क्या करें, प्रॉपर तरीके से कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, आप फटाफट क्या करें, रिवीजन करें, और आपके पास तो कितने ऑप्शंस पड़े हुए, अगर कोई टॉपिक भूल गए तो फटाफट रिमाइंड कीजिए, टॉपिक देखें फिर आगे बढ़े, मतलब आप बच्चों से दुनिया से आगे ही रहेंगे, आपको पीछे नहीं रहना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, वो कोई भी बच्चा आपसे अच्छा नहीं कर सकता, बस काम खत्म। आइए जरा मैं शुरू करता हूँ, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर टू, और मैं आज कॉन्सेप्ट को टफ करूँगा, आज और गंदे कॉन्सेप्ट बनाऊँगा, आप डरना नहीं, बस डरना नहीं, आप आओ जरा शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो, ये हमने क्या किया, रेडी किया एक और कॉन्सेप्ट आपके पास, इस साल की शुरुआत मान लो 1 जनवरी 2016 से शुरू हुई आपका,
कहता है कि इस पर पार्टनर्स यहां पे क्या है जी, आपके मान लो कितने पार्टनर्स बना दो, बताओ जरा, दो ही ठीक है कि तीन कर दो? नहीं सर, दो ही कर दो काफी है, तीन में भी तो वही होगा, तीन में तीन कॉलम बन जाएगा यार, और कौन सी बड़ी बात है। तो कहता है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं। कहता है कि ए का कैपिटल, चलो इस पर कह दिया आपका ये ओपनिंग कैपिटल हो गया बच्चे, ये कैपिटल कहता है जी एक तारीख को इन दोनों का, आपको बता रहा है इनका हो गया 6 लाख रुपीज और इनका हो गया आपका 4 लाख का अमाउंट आपका। लिखो फटाफट, फटाफट लिखेंगे आप लोग कि कैपिटल जो आपका यहाँ पे, एक तो हो गया जी 6 लाख, दूसरा 4 लाख रुपए का अमाउंट, ठीक है ना। फिर कहता है कि यहाँ पे आपका ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गया आपका साल का बीच, ये पूरे साल में कहता है यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर, आप लिखिए जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसी तरीके से लिखेंगे, पूरी क्लियरिटी आपके दिमाग में आएगी। कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने ड्रॉइंग्स किया बच्चे, ड्रॉइंग्स किया है, और ड्रॉइंग्स कहता है कि ए का और बी का, ए का ड्रॉइंग्स कहता है कि 1 लाख रुपए का है और बी का ड्रॉइंग्स मान लो कहता है कितना, बोलो बताओ जरा, चलो 50,000 हमने मान लिया, ए का ड्रॉइंग्स आपका हो गया और बी का ड्रॉइंग्स यहाँ निकल गया 50,000 रुपये का अमाउंट, ठीक है ना। लिखो फटाफट यहाँ पे, लिखो जरा, हो गया आपका। पता नहीं मन कर रहा है क्वेश्चन को थोड़ा और टफ कर दो, कर दो टफ में, यहाँ पे आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, टफ करो जितना करना है, हम हैं आपके साथ रेडी, ठीक है। फिर कहता है यहां मान लो ये दिन आपका 1 अक्टूबर 2016 है, मैं बहुत गंदा क्वेश्चन बना रहा हूं, बहुत गंदा क्वेश्चन, कुछ ही बच्चे कर पाते बच्चे ऐसे क्वेश्चन को, जो आप हैं और कोई नहीं। कहता है कि यहां पे एडिशनल कैपिटल दिया गया, एडिशनल कैपिटल, यहां पे एडिशनल कैपिटल दिया है, और वो दिया है मान लो बी ने, ए ने नहीं सिर्फ बी ने, और वो भी मान लो यहां पे 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 1 लाख का, मतलब साल के बीच में ए ने क्या किया, 1 लाख रुपए और घर से पैसा बिजनेस में डाला होगा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, अगर घर से पैसा बिजनेस में डाला तो जरा बताओ बिजनेस का कैपिटल बढ़ा कि कम हो गया? सर बढ़ा होगा, अरे पैसा घर से कुछ भी बिजनेस में लागू तो क्लेम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर क्यों पूछ रहे हो ऐसे, मन क्या बचे, छोड़ो ना, छोड़ो आप दिमाग पे, आप क्वेश्चन पे, आप मुद्दा पे चलते हैं हम लोग, क्यों फालतू उल्टी सीधी बात करें, ये काम पूरा हो गया। फिर कहता है कि साल का एंड हो गया बच्चे यहाँ पे 31 दिसंबर 2016, और कहता है कि फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया यहाँ पे, वो प्रॉफिट कमाया मान लो यहाँ पे मैं कितना ले लूँ, मान लो 7 लाख का अमाउंट आपका, 7 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया। कहता है कि इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, यानी कि पार्टनरशिप डिड जो इनका बना हुआ है, उस पार्टनरशिप डिड में एग्रीमेंट है जी, पहला एग्रीमेंट कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। ये कहता है कि मान लो आपका 10% पर एनम के हिसाब से, आपका 10% पर एनम मतलब एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा जी, 10% आपका, ठीक है। आप आइए जरा यहां पे नंबर टू, कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कहता है कि चार्ज किया जाएगा, और वो कहता है जी इस बार एट द रेट ऑफ 6%, ध्यान से 6% लिखा बच्चे हमने, हमने यहां पर एनम नहीं लिखा, इस बात को ध्यान रखना सर, 6% पर एनम में और 6% में क्या फर्क है, मैं बताऊंगा आप चिंता ना करो। मैंने कहा कि 6% आपका यहां पे जी इंटरेस्ट आपका है, यहां लिखा था पर एनम, यहां पर एनम नहीं लिखा आपने। थर्ड लिखे यहां पर एग्रीमेंट है कि सैलरी हमें देनी है, सैलरी देना जी ए को और बी को, ए का कहता है कि 40,000 की सैलरी है और बी का कहता है कि 30,000 की सैलरी आपका है, ये भी हमने कर दिया, ये भी कर दिया आपका, सैलरी भी हमने दे दी आपको यहाँ पे जी। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे कमीशन भी देने की बात कर लो, कहता है कि कमीशन भी मांग रहा है, और कमीशन मान लो कहता है जी कि आपका बी का होगा, बी का, और वो कहता है कि आपका मान लो यहाँ पे कितना लिखो जरा बताओ, कितना मान लो, चलो 50,000 मान लिया, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना कमीशन कितना होगा कितना नहीं, क्वेश्चन पक्का बताएगा। मान लो यहाँ कहता है कि 50,000 का अमाउंट है आपका। फिर कहता है कि पांचवे में आगे कहता है कि शेयर जो होगा, शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग आपस में इक्वली डिवाइड कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है बच्चे, रेशियो पक्का बताएगा, आप चिंता ना करना। हाँ अगर रेशियो ना बताया तो हम क्या मानते हैं, इक्वली, क्योंकि पार्टनरशिप साइलेंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बोलता है कि प्रिपेयर, लिखेंगे आप यहाँ पे, इसके बाद कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड आपने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स, आज हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर में आपका, पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट। और हाँ, कौन से मेथड के अंदर में, तो आपने लिखा अंडर फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर ये क्या होता है मैं बताऊंगा बच्चे। एक्चुअली कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, तो मैं अभी आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग। नाम ही कह रहा, फ्लक्चुएट करना, चेंज होना। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या, चेंज होना बच्चे। आप देखो पिछले क्वेश्चन में जो आपका ओपनिंग कैपिटल था वो क्लोजिंग कैपिटल नहीं था, वो चेंज हो गया। पहले कैपिटल आपका कुछ था जी, फिर आपने प्रॉफिट ऐड किया, पता नहीं क्या क्या किया, फिर एंड में देखो कैपिटल चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग, सिंपल लैंग्वेज के अंदर में, कोई बड़ी बात थोड़ी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपका। चलो मैं शुरू करता हूँ, आप रेडी है ना सर? हाँ जी हम रेडी हैं। तो आप एक काम करो, पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखा हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जहाँ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसको बनाने में, फटाफट बनाएंगे बच्चे आप फटाफट। हमें मेनली तो कैपिटल अकाउंट के बारे में समझना, ये सब चीज़ तो हम जान चुके हैं, कितने बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, कितनी बार। ये लीजिए आप यहाँ बनाएंगे, मुझे बताइए क्वेश्चन के अंदर में भाई आपका नेट प्रॉफिट कितना है, आपने प्रॉफिट कितना कमाया है। सर प्रॉफिट कमाया हमने 7 लाख रुपए का अमाउंट, लिखो यहाँ पे प्रॉफिट का जो अमाउंट आपका है वो कितना हो गया जी, 7 लाख रुपए का अमाउंट, 7 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। हाँ जी सर, अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को इस एग्रीमेंट के मुताबिक पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो चलो आइए, पहला एग्रीमेंट कहता है कि पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को आपका। आप बताओ कितने पार्टनर्स हैं? सर दो। तो आपने लिखा एज कैपिटल अकाउंट, आपने लिखा एज कैपिटल अकाउंट और आपने लिखा बीज कैपिटल अकाउंट, आपका बीज कैपिटल अकाउंट। ये दो पार्टनर्स हो गए बच्चे आपका, दो पार्टनर्स हो गए। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं कि कैसे निकाला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका। आप मेरी बात सुनो, यहां लिखा था पर एनम, पर एनम का मतलब होता है कि एक साल का इंटरेस्ट होगा आपका 10%। जरा चेक करो, मैं बात करता हूं यहां पे, मैं काम करता हूं, आपने यहां पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया है ना, ठीक इसके बाद स्टार्ट कीजिए वर्किंग नोट्स। आप लिखेंगे यहां पे वर्किंग नोट्स, यानी कि हम कुछ आपका एग्जामिनर को समझाना चाहते हैं बच्चे। नंबर वन, जरा मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कितना होगा, एज के कैपिटल के ऊपर में आपका। तो आप देखो ना, एक कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज के ऊपर में। जरा बताओ रेट कितना है, 10% आपका, 10%। तो बताओ 6 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा ना बच्चे, एक साल का जी। सर हाँ जी, तो कितना हो गया आपका 60,000 का अमाउंट, आपका 60,000 रुपये निकल के आ गया आपका एज कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ पे 60,000 लिखे यहाँ पे 60। सर ये कौन सी बड़ी बात है, हम ऐसे भी निकाल सकते थे यार, 6 लाख का 10% 60,000 रुपये होगा। हाँ बच्चे मुझे पता है आप निकाल सकते थे, कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे यहाँ पे आपको समझाना था इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल निकालना, बीज कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना। थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा, नया टॉपिक आपके पास आ रहा है, नया कॉन्सेप्ट। ये देखो आप जरा बताओ बी के कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था, सर 4 लाख रुपए। तो मुझे बताओ 4 लाख रुपीज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अच्छा मुझे बताओ इस 4 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो पूरे साल का मिलेगा ना बच्चे, ये पैसा तो स्टार्टिंग से चलते जा रहा है जी, तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपका कितना हो गया यहाँ पे, 40,000 का अमाउंट। प्लस इसके साथ साथ ये देखिए, 1 अक्टूबर को बी ने फिर से 1 लाख बिजनेस में डाला था, ये भी कैपिटल ही तो है बच्चे, कैपिटल ही है ना सर। हाँ जी, तो मुझे बताओ 1 लाख रुपए पर भी तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, रेट कितना चल रहा है सर, 10%। लेकिन आप ही बताओ ना, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, क्या इस 1 लाख रुपए पे मैं पूरे साल का इंटरेस्ट पे कर दूं, पूरे साल का? नहीं सर, गलत हो जाएगा। उसने ये पैसा अपने पास कितने समय रखा है, कितने समय? तो सर ये पैसा उसका बिजनेस में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने उसका पैसा बिजनेस में रहा है मेरे बच्चे। अगर पैसा 3 महीने रहा तो इंटरेस्ट 3 महीने का ही तो मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इनको बोलेंगे 3/12 आपका, 3/12 यानी कि 3 महीने का इंटरेस्ट आपका निकाला जाएगा। तो आप जरा चेक करो इंटरेस्ट कितना बन गया, जरा बताओ ये कितना बन गया, 40,000, ठीक है। प्लस ये कितना बन गया जी,
ये हो गया आपका 2500 रुपीज का अमाउंट, आपका 2500 रुपये आपका, तो टोटल आपका अमाउंट कितना हो गया 42,500 रुपीज का अमाउंट, 42,500। कौन सी बड़ी बात है यार, अरे जितना पैसा बिजनेस में आपका जितने समय रहा उतने समय का ही तो इंटरेस्ट पे करेंगे। बी का 4 लाख रुपए स्टार्टिंग से हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, और आपने 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर को दिया था तो 3 महीने रहा, हम 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे आपका। अच्छा आपको पता है कोई किसी बच्चे को कि 3/12 क्यों किया जाता है आपको 3 महीने के लिए, आपका पता किसी को? जब आप इंटरेस्ट 3 महीने का निकालते हो तो 3/12 क्यों करते हैं? हाँ सर हमें पता है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी बताऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे आपको अगले लेवल के लिए तैयार करना बच्चे। आप सुनो मेरी बात, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे निकल के आता है। ये देखो आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, आपको नहीं मिटाना, ये लीजिए आप। चला बताओ 1 लाख रुपए पे 10% रेट पर एनम है ना बच्चे, मतलब क्या 12 महीने का इंटरेस्ट आपका, पर एनम का मतलब क्या होता है 1 साल यानी कि 12 महीने का। तो 1 लाख पे अगर 10% मल्टीप्लाई किया, ये जो 10,000 आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया वो 1 साल का हो गया यानी कि 12 महीने का, यही हुआ ना सर? हाँ जी। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो इंटरेस्ट कितने समय का हो गया? 1 महीने का। अरे ये इंटरेस्ट आपका हो गया 12 महीने का, और 12 से डिवाइड कर दूं तो इंटरेस्ट कितने महीने का हो गया? 1 महीने का। जरा बताओ इंटरेस्ट कितने महीने का निकालना है? सर 3 महीने का। तो आप क्या करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म होगी बात। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ जी, ये निकल के आया वही 3/12 और आपका निकल के आया 42,500। मैंने आपको समझाया कि कैसे निकल के आपका आया, और कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 42,500 42,500 का आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। जरा जल्दी से बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया जी? तो सर ये हो गया आपका 1,02,500 रुपये का अमाउंट आपका, 1,02,500 रुपये, यही निकल के आया ना बच्चे? हाँ जी सर, इंटरेस्ट आपका हो गया। ठीक है, अब देखो हमने इंटरेस्ट की बात की, ड्रॉइंग्स पे भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इस बार। आप बताओ ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से लेगी या देगी? सर वो तो लेगी, वो तो फर्म का इनकम होगा, तो आप इस साइड लिखेंगे, पहले भी तो किया था हमने, आपने बोलना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट आपने क्या करना निकालना है जी, एक तो एज कैपिटल के ऊपर में आपका एज कैपिटल, और दूसरा क्या निकल के आया आपका यहाँ पे बीज कैपिटल आपका, यानी कि ए और बी दोनों पे इंटरेस्ट यहाँ निकाला जाएगा, ए और बी के ऊपर में। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर समझ में आ रही है। तो आइए जरा ए और बी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना इंटरेस्ट होगा कितना। तो कौन सी बड़ी बात है, ये देखो ए का ड्रॉइंग्स 1 लाख रुपये और रेट कितना बता रहा, 6%। अच्छा मुझे बताओ क्या 6% पर एनम हमने लिखा हुआ है? नहीं सर, हमने 6% लिखा हुआ है। याद रखना अगर पर एनम ना बोले ना, इसका मतलब कि फ्लैट आपको चार्ज कर देना है, फ्लैट 6% आपको अमाउंट का। फिर आपको मंथ्स कंसिडर नहीं करना कि पैसा कब निकाला गया कब निकाला नहीं गया, उसे कोई मतलब नहीं बनता बच्चे। इसका डिटेल स्टडी अभी चैप्टर में और भी आगे आएगा, थोड़ा सा आंशिक रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1 लाख रुपये का आपका जो 6% हुआ यानी कि 6,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन पे चार्ज किया जाएगा। उसी तरीके से 50,000 पे 6% के हिसाब से कितना हो गया आपका जी? सर 3,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे हो गया। तो 6+3 मिलकर अमाउंट कितना बन गया आपका? 9,000 का, 9,000 रुपये का अमाउंट। बात समझ आ रही है आपको? सर हाँ जी। हमने कहा कि पर एनम नहीं है, अगर पर एनम ना होगा तो कोई टेंशन ही नहीं करना, फिर तो फ्लैट चार्ज कीजिए, कब निकाला कब नहीं निकाला उसका टाइम से मतलब ही नहीं बनेगा आपका। ये काम पूरा किया हमने यहाँ पे, तो ये भी काम हो गया। ठीक है आगे बढ़ता हूँ, आगे सैलरी देना, बाकी बातें तो आपको आती हैं, लिखिए फटाफट। यहां पे आपने बोला जी हमने सैलरी देना बच्चे, सैलरी आई जरा सैलरी पे करते हैं, जरा चेक करो सैलरी हमें किसको देना है? सर ए और बी को। तो आपने बोला ए और दूसरा सॉरी ए यानी कि अब हम बोलेंगे एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए में एक ऐड हो जाएगा जी, और यहां बीज कैपिटल अकाउंट आपका। जरा बताओ ए की सैलरी कितनी है? सर 40,000 यहां लिखिए। सर बी की सैलरी कितनी है? 30,000 यहां लिखिए। टोटल सैलरी कितना हो गया? 70,000, 70,000 रुपये का अमाउंट आपका। यही काम हुआ ना सर? हाँ जी। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, और क्या बता रहा है? कमीशन देना है हमने बी को, तो आप लिखो फटाफट यहाँ पे टू कमीशन, आपने टू कमीशन यहाँ लिखा किसको जी? बी को। बताइए बीज कैपिटल में कमीशन के नाम पे कितना दिया जाएगा अमाउंट आपका? वो कहता है सर 50,000 का अमाउंट है, लिखो यहाँ पे 50,000 रुपये का अमाउंट। अच्छा आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ, आप चेक करो, फिर कहेंगे आप टू
बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हमने बैलेंस प्रॉफिट क्या करना है जी, पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है। सर बताओ जरा बैलेंस प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया जाएगा किस रेशियो में, कह तो रहा है इक्वली आपका, जरा मुझे ये बता दो कि प्रॉफिट बचा कितना। तो 7,00,000 + 9,000, ये हो गया 7,09,000 का अमाउंट आपका। इनमें से आपने हटाया 1,02,500, आपने हटाया 70,000 और आपने हटाया 50,000, मेरे बच्चे ये हो गया 4,86,500 रुपीज का अमाउंट आपका, ये निकल के आया ना बच्चों। सर हाँ जी, तो आप एक काम करो, ये प्रॉफिट एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में आप क्या करो, डिवाइड करो, रेशियो क्या बता रहा था इस बार इक्वली है सर, तो डिवाइड बाई टू, ये आ गया 2,42,350 रुपीज का अमाउंट आपका, 242,350 का अमाउंट क्या हुआ आपका, यहाँ डिवीजन हो गया और हमारा काम पूरा बन गया, हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन गया, अप्रोप्रिएशन अकाउंट काम हमने पूरा कर लिया। अब तो थोड़ी सी बात बच गई है बस, जरा बताओ थोड़ी सी बात क्या बच गई सर, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है। आप कहें तो मैं इसको मिटा दूं बच्चे, ये हो गया सबका, इसको आप लिख चुके हैं सर, हाँ जी सर हम लिख चुके हैं, तो ठीक है अगर आप लिख चुके हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इसको मिटाऊंगा, मेरे पास जगह की कमी है, मुझे यहीं पे पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो आप मैं यहाँ हटाता हूँ जी आपको, ये देखिए आपका ये मैंने हटाया, इसको मैं इसको भी मिटा दूँ, ये भी तो हो चुका सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, चलो ये भी हटा दिया मैंने यहाँ पे, और मैं फिर अब शुरू करता हूँ आपका बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप मुझे ये बताओ कितने पार्टनर्स है क्वेश्चन में, सर पार्टनर्स तो दो हैं, आप मुझे बताओ कितने कॉलम बनेंगे, सर दो नहीं बचे, तीन कॉलम बनेंगे, तीन कॉलम, एक तो पर्टिकुलर्स का और फिर आपका एक ए और दूसरा बी, ये होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, वही तो मैं भी बोलना चाहता था सर, कोई बात नहीं, आपने बल गलत जवाब दिया, यहाँ भी आपने क्या बोला, एक पर्टिकुलर्स दूसरा ए और बी आपका यहाँ पे, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, लिख लो अगर आपको बहुत अच्छा सजाने का मन कर रहा है तो, इस सजाने से मार्क्स पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ अगर आपकी तैयारी 100 मार्क्स की है तो प्रॉपर तरीके से आपको सारी बातें लिखनी होगी एग्जाम के अंदर में। जब बताओ कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, सर अभी तो बताया था क्रेडिट बैलेंस आपका, फटाफट लिखो फिर यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी आपका, मुझे बताओ ए का कैपिटल कितना बता रहा आपको, 6 लाख्स, यहाँ लिखा आपने 6,00,000 रुपये का अमाउंट, जरा बताओ बी का कैपिटल कितना है, 4 लाख्स, तो आपने यहाँ लिखा 4 लाख्स का अमाउंट आपका, ठीक है हमने ए बी का कैपिटल लिख दिया। हमें इस डायग्राम को ध्यान देना पड़ेगा, डायग्राम को आपका देखो, आपने ड्रॉइंग्स किया, बताओ ड्रॉइंग्स करने से कैपिटल आपका बढ़ा या फिर कम हो गया, सर कम हो गया, यहाँ लिखिए आप, यहाँ पे आप बोलेंगे टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स करने से कैपिटल कम हो जाएगा बच्चे, टू ड्रॉइंग्स आपका, ए का ड्रॉइंग्स हो गया आपका 1,00,000 रुपये और बी का ड्रॉइंग्स हो गया आपका 50,000। अरे हाँ मैं तो बताना ही भूल गया, आप सुनिए ड्रॉइंग्स जो आपने लिखा ना, इनको आप ड्रॉइंग्स भी कह सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, मतलब पैसा क्या हुआ, पैसा विड्रॉ हो गया, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में कहीं कहीं ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है, कहीं कहीं बैंक लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ड्रॉइंग्स लिखेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेगा, बैंक तो भी पूरे मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको कोई एक ही चीज़ एग्जाम में लिखना, दोनों मत लिख देना, टाइम के ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ देखो आप यहाँ देखो बच्चे, आप यहाँ देखो बी ने 1,00,000 का एडिशनल कैपिटल डाला था। आप बताओ बी ने अगर बिजनेस में पैसा 1,00,000 कैपिटल के रूप में डाला तो जरा बताओ कि कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। सर बी ने अगर बिजनेस में पैसा ऐड किया तो कैपिटल बढ़ेगा ना, तो आप यहाँ लिखिए, आप बोलना बाय क्या दिया होगा जी, कैश, कैश कर दो, बैंक कर दो, आपकी मर्जी, बी के अकाउंट में क्या करना यहाँ पे ऐड कर देना, आप यहाँ पे ऐड कर देना, आप आप कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, पैसा ही तो दिया होगा और क्या देगा। तो आपने क्या किया, कैपिटल को बढ़ाया और कहा कि भैया कैश बिजनेस में दिया गया 1,00,000 रुपये का अमाउंट, ठीक है ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। हम साल के एंड में आ गए, साल के एंड में आगे हमें क्या करना होगा जी, तो ये काम किया हमने, अप्रोप्रिएशन आपका यही आएगा ना बच्चे। आप शुरू करता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, इनकी बात कर लो, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट बताओ जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लिया गया, अगर पार्टनर से लिया गया तो उनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, सर कम होगा। और ऐसे भी यार अगर इसका क्रेडिट में आएगा तो इसमें क्या आएगा, डेबिट में आपका आएगा,
आप लिखे यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसी अकाउंट से आ रहा ना बच्चे, और ब्रैकेट में लिख देना ये एंट्री किस चीज की है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो अमाउंट आपका है वो आपका ए का कहता है कि 6000 का अमाउंट आपका है और बी का कहता है जी आपका 3000 का अमाउंट आपका। बच्चे ए का 6000, बी का 3000, यही बात निकल के आई ना सर? हाँ जी, ये भी निकल के आया। अच्छा, आप इधर आइए। आपने कहा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू ए और बी, तो ए बी में क्या बोलेंगे आप यहां पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चेक कीजिए आपने इसके अंदर में क्या क्या लिखना है। एक तो नाम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका। जरा बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिला? सर 60000 का अमाउंट मिला आपका, 60000। अच्छा बताओ बी को कितना मिला? तो बी को मिला है 42,500 का अमाउंट आपका। ये काम हो गया, ठीक है। सैलरी भी तो दिया, तो इसी अकाउंट के अंदर में लिखिए सैलरी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं आपका। सैलरी बताइए, सैलरी कितना है जी? तो ए का 40,000 की सैलरी है और बी की सैलरी कितना बता रहा आपको यहाँ पे जी? 30,000। बी की सैलरी यहाँ पे कितना हो गया बच्चे? 30,000 का अमाउंट आपका, ठीक है। ये भी काम खत्म हो गया। फिर कमीशन देना है, आप लिखिए इसी के अंदर में कमीशन। आप समझ रहे हो इसके अंदर लिखने का मतलब क्या हो रहा है? एंट्री पास हो रहा है बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसी के अंदर बता रहा है कि कमीशन देने की एंट्री कर रहा हूँ। बार बार थोड़े लिखूंगा, ये हो गया 50,000 का अमाउंट। तो बी में क्या करें आप, यहाँ पे 50,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे आप चार्ज कीजिए, ये हमने दिया आपका, ठीक है। और फिर प्रॉफिट का हिस्सा जी लिखिए इसी के अंदर में आप यहाँ पे। तो आपने कहा कि शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट आपका। जरा बताओ ए को कितना? तो 2,00,000 कितना था बच्चों? 242,350 का अमाउंट। और बी में कितना था जी? 242,350 का अमाउंट। तो दोनों के अकाउंट में हमने क्या किया, इस अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर दिया आपका, दोनों के अकाउंट में ऐड कर दिया। काम हमारा ख़त्म हो चुका है, जल्दी से क्लोज कीजिए, जल्दी से क्लोज कीजिए इसको। छुट्टी का टाइम हो रहा है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, कई सारे काम हैं आपके भी मेरे भी। एक बार चेक करते हैं कि आखिर इनके कैपिटल का टू बैलेंस शीट यहाँ कितना निकल के आता आपका। टू बैलेंस शीट चेक करेंगे यहाँ पे, आप जरा चेक करेंगे। ए का 6,00,000 रुपये प्लस आपका कितना हो गया जी? 60 + 40 1,00,000, ये हो गया आपका, और प्लस आपका हो गया 242,350 का अमाउंट। ये टोटल आ गया आपका 9,42,350 का अमाउंट। लेकिन इसमें से इतना विड्रॉ कर चुके हैं जी आप, तो 1,00,000 रुपये के ड्रॉइंग्स हो चुका है और 6,000 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज हुआ, तो आपका कैपिटल रह गया 8,36,350 का अमाउंट आपका। और चेक करो बी का कितना जी? तो 4,05,00,000 प्लस आपका ऐड कीजिए 42,500 प्लस आपका 30,000 रुपये का अमाउंट प्लस आपका 50,000 का अमाउंट प्लस 242,350 का अमाउंट आपका, ये हो गया आपका 8,64,850 का अमाउंट। अब देखो ना, इसमें से 50,000 का ड्रॉइंग्स कर चुके हैं और 3,000 रुपये आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम पे माइनस कर लिया गया, तो ये 8,11,850 का अमाउंट निकल के आ गया। यही काम हुआ ना बच्चे, यही काम हुआ ना। ये तो टफ से टफ क्वेश्चन हो गया, टफ से टफ क्वेश्चन। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपके जो बुक से प्रैक्टिस कराऊंगा, इससे टफ क्वेश्चन कभी नहीं बना, ना बनेगा। तो ये तो हमने काम खत्म किया आपका, इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया आपका। जल्दी से कॉपी करें आप, जल्दी से 5 मिनट में काम खत्म करना है, जल्दी से कॉपी करेंगे इसके ऊपर में, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। 5 मिनट की बात बच गई, हो गया सबका यहाँ तक सर? हाँ जी सर, हो गया। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ और मैं कुछ आपको नोट लिखाऊंगा, कुछ नोट लिखाऊंगा। आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नोट के अंदर में इसको मैं रख दूँ आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो लिखाने वाला हूँ थ्योरी के रूप में बहुत बार आता है बच्चे, और मैं नहीं चाहता कि हमारे कोई भी बच्चे जो है ना इस क्वेश्चन को छोड़ा है एग्जाम में। आपने तो करना ही करना है, समझा आपने, रटना थोड़े। लिखिए आज का इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट, और ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेक्टेड। इस बार सुनने में आ रहा कि ये भी एक्सपेक्टेड है, इन एग्जाम एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने के चांसेज है बच्चे आपका। ये नोट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहले लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में आपका, अंडर अंडर फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड,
कैपिटल मेथड आपका, एक और मेथड है बच्चे जिसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। क्या बोला हमने? फिक्स कैपिटल मेथड, लेकिन उसका डिस्कशन हम आपको अगली क्लास में करेंगे। आज हम इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से एंड करते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, मैं भी जब छोटा बच्चा था ना आपके जैसा, तो मेरे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। लिखिए नोट नंबर वन, कहता है कि नेम ऑफ आइटम्स अपियरिंग इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हाँ, कौन से मेथड की बात कर रहा हूं बच्चे? तो अंडर फ्लक्चुएटिंग, मैं ऊपर लिख चुका हूं फिर भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपका। ये जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, आप समझ गए होंगे कि इसको क्यों बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। ये देख रहे हो आप, 6 लाख था एंड में इतना हो गया, फ्लक्चुएट कर गया, चेंज हो रहा बच्चे, 4 लाख से इतना हो गया, फ्लक्चुएट कर रहा आपका यहाँ पे। तो बोलता है बताओ चला क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में कौन कौन से नाम आएंगे? नंबर ए, देखो ना क्रेडिट में क्या आ गया, एक तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है ना बच्चे, तो एक नाम आपका निकल के आ गया यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार, फिर भी बच्चे गलतियां करते यार, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा उसके बाद देखो जरा, ये 1 लाख क्या था याद है आपको? हाँ जी सर, ये तो एडिशनल कैपिटल था, एडिशनल कैपिटल, तो लिखिए यहां पे एडिशनल कैपिटल। ये अगर एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर बिजनेस में डालता है, वो कैपिटल क्या करेगा? बढ़ा देगा जी, ये भी हो गया। उसके बाद और क्या आएगा? ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, प्रॉफिट का शेयर आपका आ गया। तो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया। और नाम बताइए। तो पार्टनर सैलरी हो गया जी, और बताइए। तो सर पार्टनर्स कमीशन आपका हो गया, हाँ पार्टनर का होना चाहिए, तभी तो पार्टनर के अकाउंट में ऐड करेंगे, और थोड़े कुछ ऐड करना हमने। और बताइए क्या था आपका? तो सर वो प्रॉफिट में हिस्सा आपका, यानी कि शेयर इन प्रॉफिट आपका हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करना है जी, ये पार्टनर्स के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा। एग्जाम में अगर आएगा तो कोई 2-3 नाम पूछेगा, 4 नाम, 5, कुछ भी पूछेगा जी, आप बता देंगे पूरा, हमने पूरा नाम बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, लिख लिया आपने इसमें। अच्छा अब चला बताओ नोट नंबर टू, कहता है कि नेम ऑफ आइटम्स अपियरिंग इन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हाँ जरा बताओ किस मेथड की बात कर रहा हूं? सर फ्लक्चुएटिंग, दूसरा मेथड एक और भी है, हम अगली क्लास में सीखेंगे बच्चे आपका, आज हम इस मेथड की बात कर रहे हैं आपका फ्लक्चुएटिंग के अंदर में। बताइए जी डेबिट साइड में कौन से नाम आएंगे? डेबिट साइड में तो एक क्या देखा आपने? ड्रॉइंग्स है ना बच्चे, तो एक नाम तो आपका हो गया यहाँ पे ड्रॉइंग्स का आना, ड्रॉइंग्स हमने लिखा जी। और एक नाम और बताओ जरा, एक नाम और सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आप यहाँ क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आप यहाँ पे लिखेंगे, यही 2 नाम तो आएगा। क्या कोई और भी नाम आएगा या 2 ही नाम आएगा? सर एक नाम और आएगा, वो क्या जी? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये भी तो आ रहा बच्चे, तो क्लोजिंग बैलेंस भी तो आया, यानी कि आप यहां क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आपका कैपिटल अकाउंट, खत्म होगी बात आपका, ओपनिंग उस साइड और क्लोजिंग आपका इस साइड आपका, यही तो काम निकल के आया। तो इस तरीके से हमने क्या किया आपका, ये टॉपिक आज का हमने एंड किया। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के 2 मेथड होते हैं जी, एक होता फ्लक्चुएटिंग, एक होता फिक्स्ड। तो मैं फिक्स का जो डिस्कशन है अगली क्लास में करूंगा, कुछ और भी नोट लिखाऊंगा और भी अच्छा लगेगा, और फिर हम आपके बुक्स के प्रैक्टिस के अंदर में एंट्री करेंगे। तब तक आप सबको मस्ती करें, आप ऑल द बेस्ट, और सब कुछ घूम के फिर अगली क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टाटा बच्चों, टाटा।